आज हम डिस्कस करेंगे आईसीटी का पार्ट 6। अच्छा, एक सेकेंड, लोड हो रही है पीडीएफ सभी। ठीक है, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, कैसे हो आप सब? हाँ जी, आई होप यू ऑल आर गुड। सबने अपना टाइम टेबल बना लिया अपने हिसाब से कि कैसे करना है कुछ ही दिनों के अंदर? ठीक है, और बाकी रिवीजन तो मैं कराऊंगी आपको, वहां एपिसोड और रिवीजन क्लासेस में लेके आ रही हूँ, और बाकी स्टडी का अच्छे से टाइम टेबल बनाइए, यू कैन डू। कल सुबह 10 बजे भी हमारी अनअकैडमी वाले यूट्यूब चैनल पे रिसर्च की है रिवीजन क्लास, ठीक है, मैराथन लॉन्च करी हुई है। ओके जी, अभी हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ईमेल वाला हो गया था हमारा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो ना कि अब कौन सा होता है, जो क्लासेस हो गई है उसमें से कौन सा टॉपिक फिर से कराओगे। अभी जितनी क्लासेस लॉन्च है इतने ही आएंगे, ठीक है। अब जो हो चुकी है, जैसे कि कौन से नहीं होंगे ये पूछ लो अभी। मैथमेटिकल रीजनिंग यू हैव टू डू फ्रॉम रिकॉर्डेड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, अगर आपने ये साथ साथ नहीं किया था, और कौन सा रह गया हमारा, डेटा इंटरप्रिटेशन और आईसीटी। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपना टाइम मैनेज करके इसको बैक से कीजिए, क्योंकि पेपर आ गए हैं आपको पता है, एंड जो मैं साथ साथ करवा रही हूँ वो साथ साथ चलेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी दिया था आज क्लास का स्केड्यूल, है ना, सुबह भी। हाँ, स्टैटिस्टिक्स भी करना होता है, यस, वो तो रिसर्च के अंदर ही रहता है ऐसा। हाँ, इनकी मैं रिवीजन कराऊंगी, जैसे कि कल मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड की मैराथन निकाल दी है, ठीक है, तो ऐसा करके अब हमारी रिवीजन जरूर साथ साथ स्टार्ट हो गई है, मतलब प्लस क्लास में जो कंटिन्यू हो रहा है इसके साथ साथ रिवीजन है, ठीक है। हाँ, पेपर टू में भी हम आज सुबह मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई है, उससे देख लो, टाइम टेबल दिखाया था मैंने, ठीक है। चलिए जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं, आगे कंटेंट करते हैं। ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स, यहाँ पे हमें फॉर्मेट्स का ध्यान रखना होता है, पेपर मैमेंट आगे होगा, हाँ, कि कौन कौन से फॉर्मेट्स होते हैं। अभी तो कल और परसों सुबह 10 बजे है, उसके बाद से सुबह 8 बजे वाले टाइम पे मैराथन चालू हो जाएगी मेरे चैनल पे, ठीक है, अभी अनअकैडमी वाले चैनल पे कल है ऑलरेडी। हम थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, नहीं तो फिर ये छूट जाएगा या आगे जाना पड़ेगा नेक्स्ट यूनिट के अंदर। पढ़ ले, शुरू करने दिया करो। ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स मतलब ये फाइल फॉर्मेट है, हमें ये याद करना पड़ता है कि कौन से ऑडियो है वीडियो है, पेपर में आ जाता है ढूंढने के लिए जी। सो अनकॉम्प्रेस ऑडियो, जैसे ऑडियो में अनकॉम्प्रेस वर्जन वो होता है, जैसे कि हम लोग पूरी की पूरी ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसमें से उसकी क्वालिटी भी रिड्यूस नहीं कर रहे और उसमें से कोई डाटा नहीं काट रहे, तो वो है कॉम्प्रेस नहीं किया हुआ फुल, ठीक है, ऐसा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वेव, वेव की फुल फॉर्म है वेव फॉर्म ऑडियो फाइल, AIFF, ऑडियो इंटरचेज फाइल फॉर्मेट, इनकी फुल फॉर्म भी करनी होती है कि कौन कौन से ऑडियो वाले होते हैं। ऑडियो यूनिट, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये फॉर्मेट जो होते हैं ये फुल होते हैं, एंड लो लेवल ऑडियो के भी फॉर्मेट है ये। लूज लेस कंप्रेशन का मतलब क्या है? इसके अंदर जैसे मान लीजिए कोई ऑडियो फाइल है 2 मिनट्स की, तो यहाँ पर भी 2 मिनट्स की ऑडियो फाइल रहेगी, लेकिन उसकी बस क्वालिटी लूज हो जाएगी, ठीक है, हाँ, इससे भी थोड़ी कम क्वालिटी हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए फ्री लूज लेस ऑडियो कोडेक, फाइल नेम एक्सटेंशन WB, WAVPAK, TTA, ऑडियो फाइल ट्रू फाइल ऑडियो, इनकी फुल फॉर्म देखनी है कि कौन सी वाली लूज लेस कंप्रेशन होते हैं, ठीक है, इनको ध्यान से पढ़ लेना। लूजी का मतलब क्या होता है? जैसे हम व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं तो व्हाट्सएप पे पूरे 2 मिनट का गाना तो नहीं जा सकता, वीडियो भी नहीं जा सकती, तो 15 सेकेंड की जाती है, तो मतलब अगर हमने 15 सेकेंड या 30 सेकेंड का या थोड़ा सा भी इसमें से डाटा कट कर दिया तो वो क्या हो गया, लूजी हो गया, वो लूज हो गया, सिंपल। हाँ जी, हेलो जी,
लूज कंप्रेशन मतलब वो लूज हो गया. एग्जाम्पल के लिए ये MP3 का भी कट कर लेते हैं, ओपस और WME, ठीक है, विंडो मीडिया ऑडियो लूजी. अभी आपको डिफरेंस समझ में है, इसमें फुल हाई क्वालिटी मतलब जैसी क्वालिटी है वैसे का वैसा जा रहा है मैसेज. लूज लेस में हमारी क्वालिटी लो हो गई और जो मैसेज है वो पूरा गया, और जो लूजी है उसमें मैसेज भी काट दिया, ठीक है. हाँ, रील्स में भी जैसे आप कह सकते हो. ऑडियो फाइल फॉर्मेट ट्रिम कर दिया था उसको. कौन कौन से होते हैं टोटल की लिस्ट बन दी है यहाँ पर. यहाँ पे नेम लिखे हैं और उनकी फुल फॉर्म लिखी है, तो आपको ये सारी फुल फॉर्म देखनी होगी, ठीक है. नव क्लासेस सर्च करो मीनू, मिल जाएगा. ऐसे ही वीडियो फाइल फॉर्मेट्स भी देखने होते हैं. वीडियो फाइल फॉर्मेट्स में आ जाता है वेब एम, MKV, मत्रोक्षा का है एंड मत्रोस्का का है, फ्लैश वीडियो FLV, फ्लैश MP4 वीडियो फाइल, वीडियो ऑब्जेक्ट. तो ये एक्सटेंशन है, कई बार क्वेश्चन एक्सटेंशन में पूछता है, दोनों को मिक्स कर देगा, पूछेगा वीडियो ढूंढो ऑडियो ढूंढो, ठीक है, तो हमें वो फाइंड करना होता है. एक छोटी सी ट्रिक तो वैसे यही है जिसमें ए आ रहा है ज्यादातर, ठीक है. एक बार कुछ है एक्सेप्शन, उसको आप पढ़ लीजिए. ज्यादातर वैसे देखेंगे तो ए आ रहा होता है तो ऑडियो का मतलब होता है उसका, एंड उसके साथ वी भी आ रहा है तो मतलब वीडियो. बाकी MP3 ऑडियो फाइल होती है, MP4 वीडियो फाइल होती है, ठीक है. कॉम्प्रेस मतलब उसके डाटा को छोटा किया, ठीक है. अब छोटा में क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, और हो सकता है कि आपने लूजी कॉम्प्रेस बनाया तो काट के छोटा किया, ठीक है. कॉम्प्रेस करना मतलब उसको जो फाइल है उसकी MB को कम करना. जैसे जिपिंग भी करते हैं ना PDF वगैरह की, वैसे खैर जिपिंग में तो क्वालिटी नहीं लूज होती, बट यहाँ पर लूजी या लूजलेस वाले में क्वालिटी लूज होती है या कट भी जाता है साइज कम होना. MP3 ऑडियो, MP4 वीडियो, यस. 3GP, OGG, OGA, OGB भी कह सकते हैं इसको, ठीक है. इन सब की फुल फॉर्म कहाँ मिलेगी, इसी PDF के बिल्कुल लास्ट में सारी की सारी फुल फॉर्म की लिस्ट है, तो आप वो भी सारे देखना, ठीक है. 415 पेज पे वापस आएंगे हम. हाँ, लास्ट में मतलब कि बहुत सारी है ना, ये 1423 पेज नंबर पे, मतलब ये सारी है आपको दिख रहा है, मैंने सारी फुल फॉर्म दी है यहाँ पर, ठीक है. तो आपको थोड़ी थोड़ी करके रोज पढ़ा करो. हाँ, 3GP भी वो वीडियो फॉर्मेट है. अब मेरी स्लाइड गुम गई है, ढूंढ रही हूँ पीछे. हाँ जी, फिर इमेज फॉर्मेट देखेंगे कौन कौन से होते हैं. इमेज फॉर्मेट में आएगा आपका TIFF, ठीक है. मैं 100 नंबर डायल करूं, तुम्हारी इंफॉर्मेशन पहले ना अपडेट कर लो रविंद्र भुलक्कड़. हाँ, पता नहीं हुआ, या तो 100 नंबर डायल करके चेक कर लो, नंबर चेंज हो गया पुलिस का. TIFF, ठीक है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, यस. JPEG, GIF, PNG, ये इमेज के फाइल्स होते हैं. अच्छा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन है, यूज कर रहे हो. ऑडियो फॉर्मेट्स, ठीक है, कोई बात नहीं. ऑडियो फॉर्मेट्स का आपने लिस्ट देख ली. टेक्स्ट फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. टेक्स्ट फाइल में क्या है, .csv. csv का होता है एक्सेल में. जब हम एक्सेल का .csv डाउनलोड करते हैं तो वो एक टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट बन जाता है. इसका फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, जो डाटा को टेबल्स में स्टोर करता है, ठीक है. डाटा को टेबल्स में स्टोर करता है वो. इतना क्या बज रहा है. अच्छा, और ये बेसिकली एक्सेल, ओपन ऑफिस, .doc, डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल्स हो सकते हैं, ठीक है. ODT ओपन ऑफिस का है, PDF नॉर्मल होती है ना. आपको नहीं पता था, पता कर लो, पढ़ लो. RTF है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, और ये लाटेक्स डॉक्यूमेंट. तो ये कैसे है, डॉक्यूमेंट फाइल है, टेक्स्ट फाइल है ये, ठीक है. .txt, अगेन प्लेन टेक्स्ट फाइल है ये. VKS, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल. VPD, वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट, ये है इनकी फुल फॉर्म्स. अच्छा, तो अभी समझ में आया कि वीडियो, ऑडियो, इमेज एंड टेक्स्ट फाइल्स
हमें पढ़ना है कि कौन कौन सी होती है, ठीक है। हाँ जी, फिर हम डिस्कस करेंगे सेटअप। जब हम सॉफ्टवेयर को लेते हैं तो सॉफ्टवेयर का जो सेटअप होता है हेलो, उसमें डॉट उसमें डॉट एक्स ही होता है, एक्स ही इसका होता है, इसका मतलब मतलब एक्स ही। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। जी, मैम लूजलेस कंप्रेशन और लूजी कंप्रेशन में क्या मेन डिफरेंस है? लूजलेस डाटा लूज डाटा नहीं लूज हुआ। नहीं हुआ। एक सेकेंड, मेरी आवाज गूंज रही है ना। लूजी मतलब डाटा कट गया, ठीक है। अब समझ आया, आवाज आ रही है अब। लूजलेस में डाटा लूज नहीं हुआ, क्वालिटी लो हुई, और यहाँ पे लूजी मतलब लूज हो गया। सही तो लिखा उसने, लूज नहीं होगा, लेस मतलब नहीं होगा। सेटअप करते हैं जब हम सॉफ्टवेयर को, तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, मतलब इस सॉफ्टवेयर को अपलोड करके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा रैम के अंदर, ठीक है। ऐसा तो इसलिए इसके आगे डॉट ई एक्स ई लगा होता है। यही जब हम सॉफ्टवेयर अपने एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड करते हैं, जैसे व्हाट्सएप वगैरह, इनका क्या होता है, एपी, हाँ एपीके होता है इनके आगे। इसका मतलब एंड्रॉइड पैकेज किट, एपीके, व्हाट्सएप डॉट एपीके होता है, तो उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से एपीके होते हैं इन एप्स में, जिनको आप इंस्टॉल करते हो एंड्रॉइड फोन में। हाँ जी, रिपीट रिपीट। अब हम देखेंगे डिवाइस, नेटवर्क डिवाइसेस। अरे यार, कहाँ से कौन कौन करे जा रहा है, बस अभी आने के आने वाले हैं। अच्छा, लिसन केयरफुली। एपीके क्या होता है, एंड्रॉइड फोन के अंदर जो भी ऐप डाउनलोड करते हैं ना, उसका फॉर्मेट होता है एपीके। और जो सेटअप है ये डॉट एक्सी, एक्सी सॉफ्टवेयर्स अगर इंस्टॉल करने हैं तो उनके आगे डॉट ई एक्स ई लगा होता है। इसका मतलब इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स कोई भी हो, लैपटॉप में या कंप्यूटर में, पीसी में। हाँ, डॉट ई एक्स ई होता है उनका फॉर्मेट। अब हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइस में ना, मतलब कैसे नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, ये देखेंगे। सो नेटवर्क अडेप्टर होता है। अडेप्टर तो आपको पता ही है ना कि कैसा होता है, इस तरीके से होता है, इसके अंदर से ऐसे वायर निकलती है, ठीक है, पिन्स वाला होता है। यस, सो बेसिकली डिवाइस जो एनेबल करता है कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, मैक एड्रेस के थ्रू। ऐसा एपीके फुल फॉर्म देखी थी मैम। एंड्रॉइड पैकेज किट, इतनी देर तो इसी स्लाइड पे रुके हुए थे हम। हब क्या होता है, हब एक होता है डिवाइस जिससे बाकी सारे डिवाइस कनेक्ट किए जा सकते हैं, एक से ही सारे कनेक्ट किए जा सकते हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, ठीक है। अब समझ में आ गई, इसको क्या बोलते हैं, हब। देन स्विच क्या होता है, इसे क्या हो गया, अच्छा ज्यादा कैच कर रहा होगा, मैंने तो सेम ही लगाई है। अच्छा, स्विच इज टेली कम्युनिकेशन डिवाइस ग्रुप एज वन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट, ठीक है। इसके अंदर एक्चुअली जो हब है ना, आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एक्सटेंशन बोर्ड होते हैं हमारे घर में, तो एक एक्सटेंशन बोर्ड जो होता है वो आपने देखा होगा पुराने टाइम का, ऐसा गुल गुल होता था, इसी के अंदर बहुत सारे स्विच से बने हुए हैं, ठीक है। और अगर हमने इसको ऑन कर दिया एक बारी में तो सभी में नेटवर्क चला जाएगा ना, चाहे उसमें कोई वायर लगाई है चाहे नहीं लगाई, और लगी हुई है तो सभी को नेटवर्क जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इस टाइप का एक स्विच है, ये वैसे हब का एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, यहाँ पर एक ऑन ऑफ का स्विच लगा हुआ है और बाकी सारे प्लग्स ऐसे लगा दिए हमने। तो मैंने इसको अगर ऑन किया तो इसमें 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 सब में बिजली जाएगी ना, तो ये किसका एग्जाम्पल है, हब का एग्जाम्पल है वैसे, ठीक है। और जो स्विच होता है, स्विच में आजकल एक्सटेंशन बोर्ड कुछ इस तरीके के आने लग गए कि यहाँ का अलग स्विच है, एक तो मेन स्विच होता है, फिर उसके बाद इसका भी अलग स्विच है ऑन ऑफ का, इसके साथ भी अलग सा दे रखा है, फिर अगले वाले के साथ भी। जब हमने इसको ऑफ करा हुआ, इसको ऑफ किया, इसको ऑफ किया, तो इसके पर मैसेज नहीं जाएगा। हमने इसको ऑन किया और इसको ऑन किया तो सिर्फ यही तो चलेंगे अलग अलग से, तो
तो जिस मैक एड्रेस पे हम सिग्नल भेज रहे हैं बस वही वाले मैक एड्रेस पे सिग्नल जाएगा, बाकियों पे नहीं जाएगा, समझे? तो ये बेनिफिट हुआ स्विच का, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस जो ग्रुप करता है कम्युनिकेशन नेटवर्क कंपोनेंट्स को, बट इसमें एक साथ ऑल पे मैसेज नहीं जाता, जिधर हम भेजना चाहते हैं वही जाता है, इससे सिक्योरिटी भी रहती है, ठीक है? यस, मैंने अभी एक्सटेंशन बोर्ड लगाया हुआ है। अच्छा, देखते हैं फिर केबल क्या होती है। केबल सिंपल वायर होती है, ठीक है? रिपीटर क्या होते हैं? रिपीटर रेप्लीकेट करते हैं वीकेंड सिग्नल्स को। जैसे हमारा जो सिग्नल है वो बीच में टूटने लगता है, तो फिर वो क्या करता है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है, उसको बीच में जोड़ने की कोशिश करता है, सिग्नल को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, बार बार रिपीट 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 सिग्नल भेजता है ताकि वो नेटवर्क टूटे ना बीच में, ठीक है? लॉन्ग डिस्टेंसेस में नेटवर्क ना टूटे, इसलिए वो बार बार रिपीट सिग्नल सेंड करता है। तो इस तरीके से एक जगह से सारे कंप्यूटर डिवाइसेस के पास मैसेज चला जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है? हब का। और जो स्विच है उससे हम ये इधर से सब पे जा रहा है, ठीक है? जो स्विच है इससे जिस मैक एड्रेस पे हम भेजना चाहेंगे वो उसी पे जाएगा। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सब पे ही एक ही बारी में सारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, ठीक है? इंफॉर्मेशन वही वही जाएगा जहां जहां हम भेजना चाहते हैं, समझे? केबल वायर होती है भाई, तार होती है, नहीं पता आपको? कोई भी तार को केबल ही बोलते हैं, समझे? ब्रिज क्या होता है? ब्रिज होता है पुल। सो जिसके अंदर, जैसे मान लो टोकन रिंग या इथरनेट या दो तरीके के जो नेटवर्क है उनको आपस में जोड़ने के लिए पुल होता है, ठीक है? जैसे एक इधर एरिया है, एक इधर एरिया है, इस एरिया को ज्वाइन करने के लिए ब्रिज बनता है। सिमिलरली यहाँ पे भी नेटवर्क है, यहाँ पर भी नेटवर्क है, मान लो इधर इथरनेट है, इधर टोकन रिंग है, यहाँ पे कोई और नेटवर्क है, तो इनको ज्वाइन करने के लिए ब्रिज बनता है। सो ब्रिज कनेक्ट करता है दो लैन को, लोकल एरिया नेटवर्क को, विद सेम स्टैंडर्ड बट यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ केबल। इधर अलग तार जुड़ रही है, उधर अलग वायर्स है, इन दोनों को पुल बनाता है ये, ताकि इधर से इधर नेटवर्क चला जाए, समझे? ऐसा राउटर क्या था? ज्वाइन करता है मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क्स को वायर या वायरलेस कनेक्शन से। राउटर तो मैंने आपको बताए थे ना कहानी पूरी मॉडम वाली, तो सबसे पहले मॉडम आएगा। पहले तो मॉडम क्या फुल फॉर्म होता है? मैक एड्रेस के पास जाएगा ना स्विच के, तो हाँ, तो जो स्पेसिफाइड मैक एड्रेस आप मैसेज भेजोगे किसी कंप्यूटर को, तो मैं चाहती हूँ ये वाले कंप्यूटर पर तक ही मैसेज आए, तो उस कंप्यूटर तक जाएगा। मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो कंप्यूटर को कम्युनिकेट करवाता है टेलीफोन वायर्स लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क वायर्स में यूज होता है, वायर से यूज होता है। जो मॉडम है वो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को स्टैटिक में, एनालॉग में, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल या डायनामिक में। टेलीफोन केबल लाइंस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मैसेज जाता है। फिर उसके बाद आता है राउटर, ठीक है? मॉडम थोड़ा मोटा होता है। हेलो जी, हेलो, वेलकम। और उसके बाद जो हमारे घरों में लगे होते हैं वो राउटर लगे होते हैं। मैंने देखा अनअकैडमी की ऐप में जब इंटरनेट नहीं ना होता तो वो ऐसा कान वाला ही बनाता राउटर, तुम्हारा देखा तुमने? मेरा कल देखा था, मेरा इंटरनेट बंद ऑफ था, मैंने ऐप खोली क्विज देने के लिए, ऐसे राउटर बनाया था उसने। तो इसको राउटर बोलते हैं, ठीक है? जो मॉडम है वो ओनली लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, और जो राउटर है ये यहाँ से लैन ले रहा है, यहाँ से लैन भी रिलीज कर सकता है, और इसमें वाईफाई क्रिएट करने की भी क्षमता होती है। वाईफाई कैसे क्रिएट करेगा बताओ? हाँ जी, वेलकम जी। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल से पहले इसको कॉन्फ़िगर कर दिया होगा, हर बार अपने आप भेजेगा, ठीक है? इमेज प्लीज, कभी इंटरनेट ऑफ करके अनअकैडमी की आप खोल लेना, ये राउटर की फोटो ही आएगी। अच्छा, गेटवे क्या होता है? राउटर का एग्जांपल वाईफाई, धन्य है आप। अरे राउटर लैन वाईफाई दोनों बनाता है, वो उसका एग्जांपल कैसे हुआ? वो तो उसका काम है, समझे? उसका काम है वो। गेटवे टोकन रिंग टोपोलॉजी है, इधर नेट अल्टरनेटिव है। हाँ, टोकन रिंग होती है ऐसी
जो रिंग होती है भाई, रिंग रिंग को ही बोल दिया इसने, टोकन रिंग यही होती है, ये नोट्स से नोट्स जुड़ते हैं, ठीक है, लाइन लाइन वाली है। गेटवे क्या करता है? गेटवे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाते हुए जब डाटा कहीं बीच में रुकता है ना, स्टे पॉइंट है, ठीक है, तो ये स्टॉपिंग पॉइंट है, जहां रुक के फिर आगे जाता है, वाया जाता है ये, ठीक है। ब्रिज दो को जोड़ने का काम करता है, और गेटवे बस हो सकता है एक ही मैसेज से जा रहा है, लेकिन उधर बीच में कहीं रुक रहा है, तो वहां गेटवे के थ्रू होके रुक रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारी टोपोलॉजी के बारे में आपको समझ आ गया। टोकन रिंग भी वही है, लैन ही है, नॉर्मल जो रिंग है ना उसी को टोकन रिंग बोल देते हैं। सो फ्रेंड्स, अब एक छोटा सा डिफरेंस और बता रही हूँ, वो है डिस्क सी और के में, ठीक है। नेटवर्क सिर्फ लैन ही होगा इन ब्रिज। हाँ, जो डिस्क है ये ना एक्चुअली बस कंपनीज है जो अलग अलग है, जैसे मान लो पेप्सोडेंट और कोलगेट है ना, ऐसे। तो डिस्क रेफर टू ऑप्टिकल मीडिया एंड डिस्क ऑल्सो, डिस्क ये जो के वाला है ये एक मैग्नेटिक मीडिया है, जो सी वाला होता है जैसे सीडी, सीडी रोम, डीवीडी, डीवीडी, ठीक है, ऐसा। और जो मैग्नेटिक मीडिया है वो कैसा होगा, जैसे वीसीआर की कैसेट या फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक मीडिया होता है, हार्ड ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, ये मैग्नेटिक मीडिया में आता है। जो डिस्क होती है ना, इसके अंदर से डाटा इरेज किया जा सकता है और दोबारा लिखा जा सकता है बहुत बारी। और जो ये भी हो सकता है कि किसी में ना लिखा जाए, एग्जाम्पल के लिए जो सीडी ओनली आर है, इसमें डाटा एक बार लिखो रीड मैनी, ठीक है, राइट वंस रीड मैनी, इसका मतलब ये रीड ओनली है ना। लेकिन अगर स्पेशल कैटेगरी होती है आर डब्ल्यू, तब ये रीड एंड राइट दोनों है। बट जो के वाली डिस्क है ये हमेशा ही रीराइटेबल ही होती है, ये ओनली रीड ओनली वाली नहीं होती, समझे। जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गई, मैग्नेटिक डिस्क हो गई, हार्ड ड्राइव हो गई, तो ये मैग्नेटिक डिवाइस होते हैं जो ऑलवेज रीराइटेबल होते हैं। अब आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया? वो फाइबर की है, ये मैग्नेटिक है, यस, दोनों स्टोरेज डिवाइस है, ऑलवेज रीराइटेबल, दिस इज रीड ओनली एंड रीराइटेबल, दोनों टाइप की हो सकती है। ये जो एडोब कंपनी है, एडोब कंपनी ने एक लाइट रूम बनाया है, वो आजकल फोटोशॉप का अल्टरनेटिव, थोड़े से न्यू फोटोशॉपर्स जो होते हैं वो लाइट रूम को प्रेफर करते हैं। सो बेसिकली ये बाय एडोब, एडोब कौन है, एडोब तो कंपनी है, ये कोई सॉफ्टवेयर थोड़ी है, इस कंपनी ने एडोब लाइट रूम, एडोब फोटोशॉप, एडोब एक्रोबैट, ये सब बनाए हैं, और भी बहुत सारे होंगे, समझे, सॉफ्टवेयर की कंपनी है वो। गुड। और क्या डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर, कॉर्पोरेट पब्लिक वर्क। हाँ, इसमें से बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है डिटेल में, इसमें सिर्फ एक चीज गो थ्रू करते हुए निकलेंगे कि एक्चुअली एजुकेशन के लेवल में कौन सी कंट्री में सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, वो देखेंगे। तो कॉर्पोरेशन फॉर पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग इंडिपेंडेंट टेलीविजन कमीशन रिसर्च के लिए आई, और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब यूएस में, फिर यूके में, फिर यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, इस तरीके से ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुई थी एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो इसमें सबसे पहले जब आई थी ना, जब बात समझा दी जाए उसके बाद भी समझने का मन ना हो ना, फिर तुम यही इससे लिखते हो। एडोब ऐप होती है, एडोब कंपनी है जो कि अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग ऐप बनाती है। एडोब एक्रोबैट होगा, उसके आगे कुछ ना कुछ जरूर होगा, ठीक है, जिसकी ऐप होगी। हाँ जी, 195th एनिवर्सरी ऑफ महात्मा ज्योतिबा फुले, अच्छा, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इंडिया में जो निकाला था, ओके जी, वेरी गुड संकल्प। अभी हम यहाँ डिस्कस करते हैं टाइप ए एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन आई सबसे पहले इसमें, फिर उसके बाद टाइप बी में, इसके अंदर कंसिडर किया जाता है ब्रॉडकास्टिंग में रिसर्च स्पेशलिस्ट, एंड देन टाइप सी में ऑडियंस रिसर्च डिपार्टमेंट कनेक्शन, मतलब हम पहले एजुकेशन को टाइप ए में रखते हैं, फिर रिसर्च को, और फिर ऑडियंस रिसर्च डिपार्टमेंट, मतलब किसी भी लेवल पे हम रिसर्च कर सकते हैं वो। हाँ जी, एंड टाइप डी में आउटसाइड रिसर्च, फिर धीरे धीरे ओपन हो रहा है ना एरिया बाहर की रिसर्च, फिर ब्रॉडकास्टिंग ही नहीं हो रही, नॉन ब्रॉडकास्टिंग इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे, फिर कमर्शियल आ जाएंगे, जो पैसा कमाना चाहते हैं उसके लिए ब्रॉडकास्टिंग करते हैं ऐसे। तो इसके
टाइप्स है, किस टाइप की ब्रॉडकास्टिंग होती है, एजुकेशन, रिसर्च, फिर ऑडियंस, उसके बाद आउट हो जाएगा, आउटसाइड पे ब्रॉडकास्टिंग ही नहीं हो रही और फिर कमर्शियल मतलब पैसा कमाने के लिए टाइप एफ में आते हैं, टू अर्न मनी मतलब. तो सबसे पहले एक्चुअली ब्रॉडकास्टिंग किसने स्टार्ट की थी डिस्टेंस एजुकेशन के लिए, अमेरिका यूएस ने 1870s में, बस अंदर का ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस आता है पेपर में. फिर ब्रिटिशर्स ने की थी इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन 1969 के आसपास, और वे इंडिया लास्ट में आ जाएगा, ठीक है, यूरोपियंस के बाद इंडिया आ जाएगा. अभी हम डिस्कस करेंगे इंडिया का कि डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ हायर एजुकेशन थ्रू आईसीटी, ठीक है, आईसीटी के थ्रू कौन कौन से लिए गए हैं इंडिया में. तो रिफ्रेश हो जाएंगे जल्दी से, वी हैव टू डू सो मेनी थिंग्स इन डिजिटल इनिशिएटिव. 1 2 3 रेडी? यस. सो फ्रेंड्स, अभी आईसीटी की ही डाउट क्लियरिंग क्लास में हमने ये मूक वाला पोर्शन कवर किया था, ठीक है, क्योंकि जो टीचिंग का बचा था वो ये और वो सेम ही है. मैंने कहा था तीन तीन सब्जेक्ट में आता है ये. हाँ जी. सो स्वयं एक मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है जो कि इंटरनेट के ऊपर कराए जाते हैं. इसकी ऐप और वेबसाइट दोनों है. स्वयं प्रभा में 34 TTH चैनल है. डिजिटल लाइब्रेरी में सभी को ई बुक में कन्वर्ट करना था. अकेडमिक डिपॉजिटरी में सर्टिफिकेट्स डिपॉजिट किए जा सकते हैं 12th, 10th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ऑल के, लेकिन अब इसको मर्ज कर दिया गया है, डिजी लॉकर में चला गया है. आजकल कैशलेस कैंपस का मतलब है कि जो आपके कॉलेजेस वगैरह की फीस होती है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई इनके थ्रू भी सबमिट की जा सकती है. सो ऑनलाइन एजुकेशन का क्या बेनिफिट है? अफोर्डेबल होती है, सस्ती होती है. हाई क्वालिटी आपको कैसे मिलती है? कोई बेस्ट एजुकेटर से पढ़ना हो तो दूर बैठे भी पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है आ पाए. जैसे मीटअप हुआ तो सारे बच्चे चाहते थे आना, लेकिन नहीं आ पा रहे थे क्योंकि सब दूर थे, राइट? हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, हाई क्वालिटी, दूर. अगर मैं ऑफलाइन ही पढ़ा रही होती तो बताओ, हाँ, तो क्या आप सारे आके पढ़ सकते थे मेरे से? नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन आप ऑनलाइन पढ़ पाते हो. फिर इंक्लूसिव का मतलब कि एक्सेस प्रोवाइड कर पाना, ठीक है. हाँ, एक्सेस का मतलब तो दिल्ली आना पड़ता कि कैसे हम एक्सेस प्रोवाइड करा. एक्सेस का मतलब होता है कैसे हम प्रोवाइड. लिटिल बिट नर्वस फॉर कॉमर्स दिस टाइम. देखो, नर्वस होने की बजाय पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है. ये जो तुम सोच रही हो इधर उधर की बातें, मैं पढ़ा रही हूँ ना, पूरा ध्यान अगर टॉपिक पे ना हो तो ये मिस हो जाएगा. इसकी जगह पे उधर ध्यान था आपका, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एक जगह पे फोकस नहीं है. तो फोकस लगाओ नर्वस वाली जगह पे थिंकिंग करने के बजाय, जहाँ 5 मिनट या फिर आई थिंक आधा घंटा बर्बाद किया सोचते सोचते, उतना कर्म करो, ठीक है. समझ आ गई, ये कहना चाहती हूँ मैं. हाँ, हाई क्वालिटी हो गया. इंक्लूसिव का मतलब ये वाला एक्सेस कि सबको इंक्लूड करना है, दूर दूर के लोगों को भी इंक्लूड करना है ऐसा. एम्प्लॉयबिलिटी, अब एम्प्लॉयमेंट, वर्क फ्रॉम होम या बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा मिलने लग गई है, फ्लेक्सिबल हो गया है. अच्छा, ये भी हो गया. एजुकेशन से एम्प्लॉयबिलिटी कैसे, जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है तो वो ऑनलाइन एजुकेशन कर सकते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन कर सकते हैं, तो दोनों चीजें इनकी हेल्प हो जाती है. इंटरनेट का यूज आजकल काफी इंक्रीज हो गया है. इनमें जो नंबर्स है ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट सुनो, ठीक है, मेरे को सुनो, उसको छोड़ दो चाहे अभी. इंटरनेट का यूजेस काफी इंक्रीज हो गए हैं. स्मार्टफोन्स लोगों के पास इजीली आ गए क्योंकि काफी सस्ते भी होते हैं, सेकेंड हैंड भी लेते हैं लोग जिनको चाहिए होता है. हाई स्पेंड, अब लोग एक्चुअली हायर एजुकेशन में स्पेंड करना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं या बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं. रीट्रेनिंग ऑफ वर्कफोर्स, जैसे जिसको नहीं आता उसके एम्प्लॉयमेंट में ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग भी देती है. अब बताओ, पता क्या, वो मैं अनअकैडमी का वो जो कंटेंट बना रही थी, कॉमर्स का कंटेंट बना रही हूँ मैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो वर्ड में मेरे को सच्ची में नहीं आती थी, और मेरे को उन्होंने बताया ऐसे करना है, ऐसे करना है, फोटो ऐसे बनानी है, बताओ. मैं कहा, मैंने इतनी बुकें लिख दी, मेरे को ये लिखे पता ही नहीं था अभी तक. तो मुझे भी ऑर्गेनाइजेशन ने सिखाया, क्योंकि इनकी बुक लिख रही हूँ, इनमें दूसरा फॉर्मेट चलता है, तो इन्होंने बताया ये भी करना है, ये भी करना है, तो मैंने अब पहली बार ही सीखा है. तो क्या हुआ कि वर्क फोर्स को रीट्रेनिंग भी मिलती है. हाँ, कंटेंट इनको अपने हिसाब से चाहिए, तो इन्होंने पूरा फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से सिखाई, दो दो घंटे की मेरे को ट्रेनिंग दे देके, तो मैंने ट्रेनिंग ली इनसे, ठीक है. सो मैं अपने हिसाब से दे रही थी, तो इनको कुछ चेंजेस उन्होंने कहा नहीं ऐसे करो, मैं कहा ये तो मेरे को आता नहीं है,
तो फिर इन्होंने वो ट्यू गूगल मीट से फिर सिखाया। ठीक है, इतना टाइम कैसे मिलता है, करना पड़ता है भाई, काम करते जाओ, बैठ गए तो फिर जिंदगी किस काम की। स्किलिंग अनस्किल, अनस्किल को सीखने को मिलता है। ये बताओ मैं पीछे से, अफोर्डेबल मतलब सस्ता, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, सही बात है। गवर्नमेंट हैज लॉन्च नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, सो एंड नेशनल मिशन थ्रू आईसीटी निकाला। अब इसका मतलब क्या है, नेशनली एजुकेशन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू देनी है लर्नर्स को। इसका मेन मकसद है क्या, एक्सेस का मतलब जो जो नहीं पहुंच सकता उस तक भी पहुंच जाए ये टेक्नोलॉजी। ठीक है, हाँ जी। और उसके बाद ये कहता है क्वालिटी, और उसके बाद ये कहता है इक्विटी, कि सबको जो जितना डिजर्व करता है उतना उसको मिले। ठीक है, ऐसा। तो 4 घंटे की ट्रेनिंग दी इन्होंने, अलग अलग से दी है, एक एक घंटे की। एक बार कुछ सिखाया फिर अटक गई मैं, फिर कुछ सिखाया फिर अटक गई, तो ऐसा ऐसा करके हुआ 4 दिन अलग अलग। सो ये वाला कंसेप्ट तो हम कर चुके हैं भाई, स्वयं स्वयं प्रभा है, इसके आगे निकलते हैं। कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, क्या रिपीट करूं भाई, अरे वो सिंपल है, नेशनल मिशन निकाला इंडिया में आईसीटी के थ्रू पढ़ाना है, एक्सेस मतलब पहुंचना है हर जगह तक, क्वालिटी एजुकेशन देनी है, इक्विटी का मतलब जो जितना डिजर्व करता है उसको उतने के हिसाब से मिलना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई जैसे सबको हम साइंस में नहीं डाल सकते ना। सीईसी व्यास कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, 4 अप्रैल से सब्सक्रिप्शन लिया है, लास्ट क्लास से तो मैं लास्ट क्लासेस देख रही हूँ, उसके साथ 4 लेसन, उसमें बस 4 कंप्लीट लेसन है। मतलब कौन सी वाले टीचिंग एप्टीट्यूड के कह रहे हो, रिसर्च के कह रहे हो, नहीं 4 तो नहीं है, कम से कम एक यूनिट के अंदर 6 या 6 के आसपास तो होंगे ही। ठीक है, दिख नहीं रहे तुम्हें, तो दूसरे डिवाइस में ट्राई करो अपने घर के, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इशू होगा। आईसीटी का तो आज है 6th लेसन, हाँ 6 to 7 तो है ही सब में। आपके नेट, आपके डिवाइस में या फिर इंटरनेट के नेटवर्क में कोई दिक्कत होगी, ठीक है, सो थोड़ा कोशिश करो कि, या फिर आप अनअकैडमी की हेल्प वाले पे जाके ना इनसे बोलो कि इसको कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का तो उनको याद है। मेरा मन कर रहा है मैं पढ़ा दूं, ठीक है, चुपचाप पढ़ो। सीईसी व्यास कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, सो ये 24/7 24 घंटे सातों दिन चलने वाला कंसोर्टियम है। नेशनल अकेडमिक डिपोजिटरी करा दिया था, हाँ करा दिया था हमने, इसी में राउट ट्रेनिंग क्लास में हुआ है आईसीटी में। 2400 घंटे सातों दिन, मतलब रोज रोज पूरा पूरा दिन आता है मैसेज, इसमें डाटा ट्रांसफर होता है, एजुकेशनल कंटेंट मिलता है, अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्लासरूम से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलता है। क्वेश्चन आता है रियल टाइम एक्सपीरियंस किसमें मिलता है, सीईसी में रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, मैंने अभी भी बताया था, आपके कान बनते शायद, जैसे एग्जाम्पल के लिए इनकी वेबसाइट भी है और ये टीवी में भी आता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आता है इसमें लाइव, जो बच्चे हैं वो इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं, मान लो इन्होंने चैट ऑप्शन ऑन कर रखा है या ईमेल ऑप्शन ऑन किया हुआ है तो उसके थ्रू भी पढ़ सकते हैं, तो इस वजह से इसमें कहते हैं रियल टाइम। यस, webcast.gov.in पे आता है सीईसी का लाइव, यूजीसी सीईसी। अच्छा, सो उसके अलावा क्या आता है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एक ई लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पढ़ना है, क्या नाम है, ये मेनली किसके लिए है और किसने बनाया, तो ये सेक्शन किसको मिला है, ये सेंक्शन मिला है IIT खड़गपुर को, ये भी पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो नेशनल मिशन के अंदर ही चल रहा है सब कुछ वैसे तो। इसमें कलेक्ट करना है लार्ज नंबर ऑफ ई कंटेंट, जितनी भी बुक्स है उसको ई में बदलना है। ठीक है, सो डिजाइन करना है, डेवलप करना है, इसकी फुल फॉर्म देखो, ओपन आर्काइव इनिशिएटिव। आर्काइव का मतलब सारा डाटा भरते रहो और जो पुराना हो जाए पीछे डाल दो, अगर कोई सर्च करेगा तो निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, प्रोटोकॉल फॉर मेटा हार्वेस्टिंग,
वर्जन 2.0 चल रहा है यहाँ पर भी, मतलब वर्जन 2.0 सारा डाटा इन्होंने बुक होती है प्रिंट वाली उसको ई में कन्वर्ट किया। पैन इंडिया वर्चुअल टीचिंग लर्निंग एवोल्यूशन नॉलेज प्लेटफॉर्म है ये, किसका इनिशिएटिव है? तुम कहाँ सो रही हो? मेरे को बाकी बच्चे बता देंगे किस चीज का इनिशिएटिव और किस यूनिट में कर रहे हैं हम। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। पैन इंडिया का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस अक्रॉस नेशन, ठीक है। इंडिया में प्रेजेंट होगा, पूरे इंडिया में होगा, ठीक है। ये अलग अलग मिनिस्ट्री से भी डाटा लेता है, ऐसे नंबर वन हो वीकली में, ट्राई टू मेक वो, हाँ बिल्कुल आगे वर्क करो, गुड। सो फ्रेंड्स इसके आगे देखते हैं, देयर आर 32 लाख डिजिटल बुक्स जो अभी तक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में कन्वर्ट हो चुकी है। स्कूल हाई लेवल लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के कैसे होती है, जिसमें हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, स्किल सीखते हैं, उसको कहते हैं लाइफ लॉन्ग लर्नर्स के लिए लेसन्स, ठीक है। इसको सॉफ्ट स्किल्स भी कहते हैं। इनके नंबर तो याद करने की जरूरत नहीं है, मुझसे इतना बताना चाहिए कितने क्या क्या है। ये रहा नेट, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, डिजिटल इशू कर सकते हैं यहाँ पर अपना खुद का सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो जो भी हमारे सर्टिफिकेट्स होते हैं वो इसके अंदर रजिस्टर हो जाते हैं। ये जब था ना या शिखा, जिस स्लाइड पे मैं आऊँ ना तुमने उससे पूछे वाली पूछनी होती है। अब तुम्हारे टॉपिक वाली नैड पे आई हूँ, नहीं पीछे वाली बतानी मैंने, तुम सीधी होके बैठ जाओ। अच्छा, सो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, दिमाग इधर रखो अपना। इसके अंदर दो विंग थे इनके, आधी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज इन्होंने डाल रखी थी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड में, आधी डाली हुई थी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस वेंचर लिमिटेड में। इस वजह से मुझे भी पहले बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि मैं अपना डाटा CDSL में ढूंढूं अपनी यूनिवर्सिटी या फिर NDML में ढूंढूं, ठीक है। तो इसको ढूंढने के लिए तो बहुत कंफ्यूजन हो रही थी कुछ, मतलब जैसे मान लो मैं दिल्ली की हूँ तो हमारा डाटा हो सकता है NSDL वाले में हो हमारी यूनिवर्सिटी का लिंक, और दूसरे का दूसरे में, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए हुए थे। तो हम सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आई थी, इन्होंने क्या किया सब इकट्ठा करके पूरे के पूरे नेट को उठा के डिजी लॉकर में डाल दिया। यस, सो अब क्या हुआ, जून 2020 में नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आई कि इसको अब डिजी लॉकर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा डिजिटल डिपॉजिटरी के लिए। तो नैड इम्प्लीमेंट इन NDML और CVL के द्वारा अब नहीं होगा, ठीक है। मैं बता तो दिया कंट्रीज के, आधी स्टेट्स उसमें NDML में डाल दी थी, आधी स्टेट CVL में, कंफ्यूजन बड़ी हो रही थी। मैंने खुद जब फर्स्ट टाइम देखा तो मैं इधर भी गई उधर भी गई, तब जाके दिल्ली एक जगह मिली थी, मैं भूल के कहां मिली थी। सो इन्होंने इन दोनों को ही डिजी लॉकर में डाल दिया अब, ठीक है, और पूरे पूरे नेट के सारा डाटा डिजी लॉकर में ट्रांसफर कर दिया है, अब एक ही जगह है। यस, UGC ऑथराइज है कि नेट को परमानेंट स्कीम के रूप में लागू करना और कोऑपरेट करना, इसको पूरा कोऑपरेशन डिजी लॉकर में करवा दिया है। डिजी लॉकर पहले ओनली फॉर योर लाइसेंस, आधार कार्ड, इन सब के लिए था। नेट ओनली एकेडमिक सर्टिफिकेट्स के लिए था, अवार्ड्स के लिए था। अब एकेडमिक अवार्ड सर्टिफिकेट और आपके जो इंडिया के मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, नेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब अब एक ही जगह पे डिजी लॉकर में मिल जाएंगे। अब ये बेनिफिट है, समझ आ गई? अब ये कब से हो रहा है, ये तब से हो रहा है, 2020 से हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, अब मर्ज कर दिया है तो इसलिए अब आपको उनको अलग अलग से करने की जरूरत नहीं है। नीरू तुम भागने डालो और वीडियो दोबारा देखना नहीं है। ई शोध सिंधु क्या है? इसमें 15,000 इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक जर्नल ई बुक्स अवेलेबल है। ये जितने भी है ना हमारे इंटरनेट से रिलेटेड, हाँ जी, जर्नल्स हो गए या वेबसाइट्स हो गई जो गवर्नमेंट के अंदर आती है, इनको इन्फ्लिपनेट डाटा सोर्स दे रहा है, ठीक है। पहले तो मैं इन्फ्लिपनेट की थोड़ी जानकारी दे दूं, वैसे दी भी थी पहले। इन्फ्लिपनेट जब आया था ना तब ये ओनली ई बुक्स में कन्वर्ट कर रहा था, मतलब एक ये ई लाइब्रेरी था, ठीक है, और ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को दे रहा था।
अब क्या हुआ, इसकी जो है पावर उसमें इंक्रीमेंट ये हुआ है कि अब ये डाटा सोर्स दे सकता है। डाटा सोर्स का मतलब होता है वेबसाइट बनाने के लिए जगह जो गवर्नमेंट रिलेटेड होती है फॉर वेबसाइट्स, ठीक है। सो इसका मतलब अब वेबसाइट्स को जगह चाहिए, आपको फोन चाहिए, अब फोन के अंदर आपको स्टोरेज चाहिए 2 GB 4 GB, जितनी स्टोरेज होगी उतना डाटा आ सकता है। ऐसे वेबसाइट में जितनी स्टोरेज होगी उतना डाटा आ सकता है, ठीक है। तो स्टडी रिलेटेड जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, जैसे कि ये ई शोध सिंधु, शोध गंगा, NTA, इन सब को इन्होंने डाटा सोर्स दिया, इनकी रिसोर्सिस ये संभाल रहे हैं, समझे। तो MHRD ने फॉर्म किया ई शोध सिंधु, और इसको कब फॉर्म किया ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें कितने कौन कौन से मर्ज हुए, 3 मर्ज हुए, एक UGC का इंफोनेट डिजिटल लाइब्रेरी एनालिस्ट इंडेक्स्ड AICTE। ईशो सिंधु NDL में क्या फर्क है, ये जर्नल है उसमें जर्नल कब हुए भाई, कितना बड़ा फर्क है, उसमें हमारे सर्टिफिकेट है, ये जर्नल ई बुक है, ठीक है। जर्नल जहां रिसर्च पेपर लिखते हैं। शोध शुद्धि आया 2019 में, शोध शुद्धि जो है इसके अंदर हमारा जो प्लेजरिज्म है ना रिसर्च पेपर्स वगैरह में वो डिटेक्ट करा जा सकता है। प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, ये किसके थ्रू चलता है, इन्होंने उर्कुंड के साथ टाइप किया। उर्कुंड एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है प्लेजरिज्म डिटेक्ट करने की, उसके साथ इंडिया की MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इनका नाम अब, तो इन्होंने टाइप किया। इसमें ये जो उर्कुंड सॉफ्टवेयर है हम लोगों को नहीं मिलता, ये सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस वगैरह को ही मिलता है। अगर आपको अपना प्लेजरिज्म चेक करना है तो इनकी लाइब्रेरी में जाके कर सकते हैं, समझे ऐसा। हाँ, शोध शुद्धि 2019 में आया था। शोध सिंधु कब आया था ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। उर्कुंड फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लर्निंग टेक्स्ट रिकॉग्नाइजर सिस्टम है, जो कि क्या करता है, रिसर्चर्स स्टूडेंट्स के लिए काम करता है। क्रिएट अकाउंट फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड्स, स्टूडेंट यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए अकाउंट बना सकते हैं, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के थ्रू ही कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये आपका एंटी प्लेजरिज्म है, प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करता है कि कहाँ कहाँ है। लेकिन ये प्लेजरिज्म कैसे डिटेक्ट करता है, ये डिटेक्ट करता है टेक्स्ट सेमिनर या सेम टेक्स्ट कहीं पे इंटरनेट पे किसी भी जर्नल बुक्स के अंदर अवेलेबल है तो उसको फाइंड करता है, उसके बेसिस पे चेक करता है, ठीक है। उर्कुंड कभी भी प्लेजरिज्म डायरेक्टली नहीं दिखाता, इसके अंदर टेक्स्टुअल सिमिलैरिटी ढूंढता है कि यही वाली सेम टेक्स्ट कहीं और लिखा हुआ है, वो सिमिलर टेक्स्ट ढूंढता है और उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि हाँ ये सेम टेक्स्ट कहीं और ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये प्लेजराइज हो सकता है, इसलिए हमें इसको ठीक करना है, ठीक है। अब उर्कुंड ओनली टेक्स्ट फाइल लेता है, टेक्स्ट फाइल की यहाँ से एक तरीके से लिस्ट दोबारा मिल गई हमें, कौन सी, डॉक। डॉक प्लेजरिज्म क्या होता है, अगर हम किसी और वेबसाइट से, किसी जर्नल से डाटा कॉपी करके अपने रिसर्च में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं प्लेजरिज्म, ठीक है। अपने कहीं पे भी लिखते हैं तो प्लेजरिज्म, यानी कि कॉपी मारा हमने, चिटिंग करी हमने। डॉक्स ये आपके वर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। SXW फाइल एक्सटेंशन है, ओपन ऑफिस से अगर हम वर्ड डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे तो PPT, PDF, टेक्स्ट, बाकी तब तो हमें पता है और लिखी हुई है फॉर्म। इंफ्लिपनेट हमने डिस्कस कर लिया, एक ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है UGC का। केव हम हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं, इसमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। प्रज्ञता 13 भी हाँ ऐसा ही है। प्लेजरिज्म एंड कलरेबल इंटीमेशन में क्या डिफरेंस है,
कलरेबल का मतलब हो गया जैसे कि आपने ज्यादा ही उसको दिखा दिया मान लीजिए, तो कलरेबल के अंदर फैब्रिकेशन आ जाएगा, जैसे कि हमारा डाटा जितना है उसको ऊपर और एक्स्ट्रा कलर्स चढ़ा दिए और फ्लारी दिखा दिए कि हाँ मैंने तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन एक्चुअली आपके पास डाटा तो लिमिटेड था, ठीक है। शोध शुद्धि और उर्कुंड सेम है क्या? उर्कुंड के अंदर शोध शुद्धि यूज किया गया है, सॉरी उल्टा बोल दिया, शोध शुद्धि में वो उर्कुंड की हेल्प लेकर प्लेजरिज्म डिटेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है ऐसा। हाँ उर्कुंड अलग है, उर्कुंड इंडिया के है ही नहीं, वो बाहर की है, तो इंडिया ने उनकी हेल्प से यूनिवर्सिटीज वगैरह के लिए स्पेशली शोध शुद्धि बनाया, समझे, तो उनकी हेल्प से बनाया, जैसे कि स्वयं को माइक्रोसॉफ्ट ने हेल्प किया है ऐसे। तो ये प्रज्ञता का फुल फॉर्म है प्लान रिव्यू अरेंज गाइड, याक मतलब बोलो, टॉक असाइन ट्रैक एंड अप्रिशिएट, इसका मतलब कि जो आजकल ऑनलाइन क्लासेस होने लग गई है उसको इस सीक्वेंस में देना चाहिए, इस तरीके से यहाँ पर कुछ रूल्स बना दिए हैं, इन रूल्स को फॉलो करके देना चाहिए। अब ये रूल सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर है, क्या है, एडवाइजरी इन नेचर, दे आर नॉट 100% कि आपको यही फॉलो करने है, लेकिन ये है कि अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए तो फिर ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। क्या हो गया, कहाँ की है, मैं पेपर में तो नहीं आया, नहीं उसकी वो कोई जरूरत नहीं। डिजिटल एक्सेस, डिजिटल एक्सेस देने के लिए है कि लाइव क्लासेस में इतना आपको करने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या रूल है, COVID-19 की वजह से ही रूल निकाले थे, ठीक है, ड्यूरेशन सिर्फ 3 घंटे होने चाहिए, ऐसे ऐसे करके इसमें रूल निकालते हैं, मैंने वैसे जनरल अवेयरनेस की क्लास में कवर किया था। अब आते हैं हम ब्लॉक की तरफ, ब्लॉक का फुल फॉर्म होता है ट्रंकेशन, मतलब कि ब्लॉक इसका छोटा शॉर्ट फॉर्म है, ट्रंकेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वी ब्लॉक या वेब लॉग, वेब पे इंटरनेट पे लॉग्स लिखना ऐसे। ये डिस्कशन या इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स होती है जो पब्लिश होती है वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर, इसके अंदर जैसे हम डायरी लिखते हैं अपनी पर्सनल, लेकिन इसको हम इस पर्पस से लिख रहे हैं कि ये मेरी खुद की लाइफ से बिलोंग करता है, ये मैं खुद लिखना चाहती हूँ, बट इसको कोई भी देख सकता है, ये होता है ये, ठीक है। यहाँ पर फिर शेयरिंग आ जाती है, ये ऑनलाइन जर्नलिंग का काम करती है, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स होती है जो डिस्प्ले करती है इंफॉर्मेशन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल में। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, हाँ जी उसका मतलब अपोजिट, जो मैंने लेटेस्ट पोस्ट बनाया है वो सबसे टॉप पे आएगा, लेटेस्ट जो मैंने सबसे पहले पोस्ट बनाया था वो सबसे लास्ट में आएगा, आखिरी में न्यू वाला पहले आएगा, ये वाली बात है, तो उल्टा चलता है ना, न्यू पहले, बल्कि ये तो मैंने बाद में बनाया लेकिन आ पहले रहा है, ऐसा जो सबसे पहले बनाया था वो पीछे आ रहा है, तो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल। फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह पे रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ही चल रहा है वैसे भी लेटेस्टली, यूट्यूब पे भी। हाँ सो लेटेस्ट पोस्ट अपीयर फर्स्ट, इट इज प्लेटफॉर्म वेयर राइट ग्रुप राइट कुछ राइटर्स होते हैं, वो अपने व्यूज वगैरह जो भी बोलना है उनको वो लिख देते हैं बस, ठीक है। तो हमारा पर्सनल व्यू पॉइंट वगैरह शेयर करने के लिए, या फिर आप एजुकेशनल भी लिख सकते हो, जैसे मेरे वेबसाइट है वो भी एक ब्लॉग को ही मैंने बस अपग्रेड किया है, ठीक है, तो मैं भी डेली डेली उस पर पोस्ट डालती हूँ ना, क्विज़ेस डालती हूँ ऐसे। सो वर्ल्ड यूथ स्किल डे वेयर बनाया जाता है 15 जुलाई को, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा बनाया गया था, स्किल फॉर रेजिलिएंट यूथ, स्किल के लिए। और ग्लोबल ट्रेंड फॉर यूथ 2020 की रिपोर्ट निकली है 2017 में कि नंबर ऑफ यूथ नॉट इन एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन ट्रेनिंग, ऐसे लोग जो कि एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन में नहीं है तो उनको कैसे स्किल वगैरह प्रोवाइड कराई जाए, और ये किसके थ्रू होता है, ये भी पेपर में इस बार भी आया था, बताओ मेरे नोट्स में पहले से दे रखा है, ये स्किल प्रोग्राम्स वगैरह किससे इंस्पायर्ड है, किसके अंदर आते हैं वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, समझे, इस बार आया पेपर में और मेरे नोट्स में पहले से, ये जो मेरे से पहले पढ़ रहा है देख लो, 2022 में आया था ये क्वेश्चन, इनके द्वारा डिजाइन किया जाते हैं। 2030 एजेंडा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है हमें, और हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर 4 एजुकेशन है, सो उसको इम्प्रूव करना, इनका कहना है कि टेक्निकल वोकेशनल लर्निंग डेवलपमेंट एजुकेशन 2030 तक सबको प्रोवाइड किस तरीके से कराई जाए, प्रमोट किया जाए।
स्किल इंडिया मिशन, फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ स्किल इंडिया मिशन भी हम कह सकते हैं। इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाया जाता है। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में क्या होता है, ये बताते हैं कि कौन सी किस लेवल तक पढ़ा हुआ पर्सन को कितना वेजेस मिलना चाहिए, ठीक है, किस किस टाइप के काम कर सकते हैं। तो ये अगेन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से इंस्पायर्ड है। हाँ जी, ये पीपल अमेंडमेंट वाली है ना। हाँ, सिमिलर, ये जनरल अवेयरनेस है ना, हर जगह आती है। विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी गुड़गांव में इंडिया की फर्स्ट गवर्नमेंट स्किल यूनिवर्सिटी बनी है, स्किल को देने के लिए, और गुड़गांव में बनी है ये बेसिकली 2016 में, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन के लिए। आत्मनिर्भर स्किल, ये भी इस बार इसकी फुल फॉर्म भी आ गई थी असीम की, आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर मैपिंग। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जैसे Naukri.com है ना, गवर्नमेंट ने अपना बना लिया है और वो उसका नाम दे दिया, ये गवर्नमेंट का है, कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉयज है वो अपना रजिस्टर करते हैं और एक दूसरे को एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर मिल जाते हैं, ठीक है। असीम का पोर्टल 2020 में आया था, तो इसलिए इस बार पेपर में भी आ गया। अच्छा, अब और डिजिटल इनिशिएटिव देखेंगे। वर्चुअल लैब्स वोकेशनल स्किल बेस होता है, हाँ, और वोकेशनल और प्रोफेशनल अलग अलग होता है। वोकेशनल में स्किल सिखाई जाती है, प्रोफेशनल में होता है जैसे कि डॉक्टर्स टीचर्स, ठीक है, ये प्रोफेशनल में आते हैं। स्किल मतलब इसमें हाथ की कला आती है, उनको सीखने को मिलती है। सो वर्चुअल लैब्स टू डिजाइन गुड एक्सपेरिमेंट्स। लैब का मतलब लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में क्या होता है, साइंस के एक्सपेरिमेंट होते हैं, समझे। तो यहाँ पर नॉलेज सॉफ्टवेयर डाटा अवेलेबल होता है वेब पे, और ये एक तरीके से ऑनलाइन ही केमिकल्स वगैरह को आपस में सीख करके सीख सकते हैं कि किस केमिकल से क्या हुआ। ये किसके लिए है, 9 इंजीनियरिंग एंड साइंस डिसिप्लिन्स में ये 2 वर्चुअल लैब्स बहुत सारी ओपन की गई है, 205 से भी ज्यादा। इससे बेनिफिट क्या होगा, हाँ, रिमोट एक्सेस टू लैब। हम बहुत दूर से लैब को एक्सेस कर सकते हैं, हम घर बैठे कर सकते हैं, सच्ची में जाने की जरूरत भी नहीं है। और इससे स्टूडेंट को भी इंथुसियाज्म क्यूरियोसिटी रहेगी कि हाँ मैं ये अभी ये एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। कंप्लीट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, और कॉस्टली इक्विपमेंट खरीदने भी नहीं पड़ेंगे, ऑनलाइन हो जाएगा। अगर कोई उल्टा पुल्टा एक्सपेरिमेंट हो भी गया तो ऑनलाइन कंप्यूटर में होगा, सच्ची में तो नहीं होगा ब्लास्ट, ठीक है, तो फायदा हो गया लोगों का। अब बेझिझक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इससे क्या होगा, सीखने को मिलेगा, ठीक है, गलतियां करने से सीखते हैं। क्या हो गया, वर्चुअल को कैसे होते होंगे, जैसे अनअकैडमी का कोर्स होता है, उसमें ऐसे ऐसे चीजें उठा के डालते हैं, फिर उसमें चेक करते हैं क्या हुआ, रिएक्शन होता है उसका। ई यंत्र में रोबोटिक्स की स्टडी, यंत्र कैसे बनाए जाते हैं, रोबोट्स कैसे बनाए जाते हैं, स्टडी ऑफ रोबोट्स, हैंड ऑन एप्लीकेशन, मैथमेटिकल कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है, यस, ई यंत्र। सो कैंपस कनेक्टिविटी में कहा गया कि हर जगह इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वाईफाई कैंपस होने चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ाई भी कर सके अच्छे से। तो जितने भी IITs IIM NITs है, इनको वाईफाई कैंपस कर दिया गया है। उसके अलावा भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वगैरह बाकी सारी यूनिवर्सिटीज पे भी काम चल रहा है, मेनली हो गए हैं ज्यादातर, हाँ है वहां पर भी। टॉक टू टीचर डेवलप बाय IIT बॉम्बे, ये याद रखना कौन सा किसने बनाया था, कहीं में भी लिखा हुआ है तो IIT बॉम्बे ने क्रिएट, ये भी आया था आई थिंक इस बारी, IIT बॉम्बे ने सबसे पहले टॉक टू टीचर बनाया, फिर उसके बाद अमृता यूनिवर्सिटी ने बनाया वर्चुअल क्लासरूम फैकल्टी को लिए। अमृता यूनिवर्सिटी ने AVU प्लेटफॉर्म बनाया, विद अमृता यूनिवर्सिटी ने, AVU का फुल फॉर्म भी यही है, अमृता यूनिवर्सिटी, अमृता व्यू, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी यही है। टॉक टू टीचर के अंदर बच्चे, जैसे आप होता ना कि हम लोगों ने एक जूम सेशन रख लिया, वैसे टॉक टू टीचर में एक वॉइस सेशन रख लेते हैं टीचर के साथ और उनसे डिस्कशन करते हैं, डाउट पूछते हैं, ऐसा। आस्क अ क्वेश्चन यूनिक प्लेटफॉर्म है जिससे स्टूडेंट फ्रॉम साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉलेज ऑल ओवर इंडिया कैन आस्क क्वेश्चन एंड फैकल्टी फ्रॉम IIT बॉम्बे आंसर्स। आस्क अ क्वेश्चन भी IIT बॉम्बे का ही सबसे पहले निकला था, तो यहाँ पर कौन कर सकते हैं, लर्नर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
कौन से वाले? सिर्फ साइंस एंड इंजीनियरिंग वालों के लिए ही है मेनली, ठीक है। ई आचार्य, ई आचार्य इन्फ्लिपनेट सेंटर है जो डेवलप किया गया वेब बेस्ड। ई आचार्य, आचार्य कौन होते हैं? हमारे शिक्षक होते हैं, है ना, आचार्य, रिसर्चर्स, स्कॉलर्स। सो इसके अंदर रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, गुरु, हाँ, इन सब का नहीं है ये वैसे, सॉरी वो दूसरा, वैसे एक सेकेंड, वो कौन सा होगा, विद्वान है वो, ठीक है। ई आचार्य एक्चुअली स्वयं के जैसा है, इट इज लाइक स्वयं, जैसे स्वयं पे मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ई आचार्य में मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है। हाँ, गुरु से हम सीख सकते हैं, होता तो गुरु ही है लेकिन हम गुरु से सीख सकते हैं, ऐसा ही। सो ई कंटेंट प्रोजेक्ट है जो आईसीटी का यूज कर रहा है, ये आ सकता है। देखो स्वयं किसने बनाया, MHRD और आज के डेट में उनका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और ई आचार्य खड़गपुर, IIT खड़गपुर ने बनाया है, ठीक है। सो 24/7 डाटा सेंटर है, 2400 घंटे सातों दिन इससे मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज किए जा सकते हैं। जैसे स्वयं के चार क्वाड्रेंट है, इसके भी चार क्वाड्रेंट है, ऑनलाइन कोर्सेज, एक्सपर्ट नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल, ये सब में मिलता है। बादल पीछे लिखा हुआ था क्या? नहीं लिखा था, तो जब आएगा ना तब पढ़ेंगे उसको। ई कल्पा कहाँ लिखा है? अच्छा हाँ ठीक है। सो ये बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, बादल इंडिया का क्लाउड बनाया है, हम आगे सीखेंगे इसको। ई कल्पा डिजाइन लर्निंग के लिए है। डिजाइन लर्निंग का मतलब रातों कराया था आपने कल, हाँ, मतलब कि यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज के मटेरियल मिलते हैं, एक्सपर्ट नोट्स मिलते हैं, वीडियो लेक्चर भी मिलता है, ई बुक भी मिलती है, ठीक है, जैसे Unacademy में मिलती है। ई कल्प, कल्प वैसे हिंदी वर्ड है, इसका मतलब है डिजाइन वगैरह सीखना। अब जो डी सोर्स है, इसका नाम 2015 में डी सोर्स कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, क्योंकि डी मतलब डिजाइनिंग, उसको नॉर्मल लैंग्वेज में कर दिया उसको, ठीक है। डिजाइन लर्निंग यहाँ पर सीखते हैं, एग्जाम्पल के लिए ये इनकी वेबसाइट है, लेकिन NTA फिर भी कल्प कल्प ही आंसर देता रहता है कोई ऑप्शन में, डी सोर्स NTA को ही नहीं पता इसका नाम चेंज हो चुका है। तो जो डी सोर्स है ना, इनकी ऐसी वेबसाइट है, इसमें आप डिजाइनिंग से रिलेटेड कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। यस, ऑनलाइन कंटेंट मिलता है, ई लर्निंग प्रोग्राम है, डिजिटल डिजाइन सीख सकते हो, सोशल नेटवर्किंग, हायर लर्निंग के लिए एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिव वे में, सोशल नेटवर्किंग क्यों, क्योंकि बच्चे आपस में मिलकर भी एक डिजाइनिंग की वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। डिजाइन इनपुट फॉर प्रोडक्ट ऑफ नेशनल मिशन के अंदर ही आ रहा है ये सब कुछ। हाँ जी, नेक्स्ट मिशन इज FOSSI। मैम इन सबसे सर्टिफिकेट इशू होते हैं? हाँ जी होते हैं, क्रेडिट्स भी मिलते हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, FOSSI तो बहुत बार आता है। FOSSI एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, किसने बनाया था? IIT बॉम्बे ने, और ताकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्रमोट किया जा सके। इससे फायदा ही होगा, मान लीजिए हमारी एक यूनिवर्सिटी है और हमें अपने यहाँ पर Unacademy की तरह ऑनलाइन वो चलाने हैं कोर्सेज, ठीक है, या फिर स्पोकन ट्यूटोरियल चलाने हैं, या इनमें से कुछ भी चलवाना है, तो हम इस सॉफ्टवेयर को लेंगे। दिस इज बिल्कुल फ्री ओपन सोर्स, और अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे इसको डाल देंगे, ठीक है, उसको कहते हैं, उसको इनबिल्ट कर देंगे, जिससे कि हमारी वेबसाइट के अंदर कोर्सेज हम करवा सकते हैं। अब समझे, ये है। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल होता है, जैसे कि स्पोकन ट्यूटोरियल, ये क्वेश्चन भी आया हुआ पेपर में, स्पोकन ट्यूटोरियल किसका है? FOSSI का है, ठीक है। अगेन स्पोकन ट्यूटोरियल, अभी पीछे IIT बॉम्बे का पीछे डिटेल में भी हमने देख लिया था, नहीं अच्छा ये स्पोकन ट्यूटोरियल है। स्पोकन ट्यूटोरियल में होता है कि पहले से टीचर्स ने आवाज रिकॉर्ड करके रख दी, फिर जब बच्चा चाहे तो उसे पढ़ सकता है, ऐसा। डॉक्यूमेंटेशन, टेक्स्ट बुक कंपेनियन क्या होता है? टेक्स्ट बुक कंपेनियन होता है कुंजी, जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना NCERT के, और उसकी कुंजी होती है, की होती है, उसके अंदर उसके आंसर्स होते हैं, समझे। तो टेक्स्ट बुक के बाद उसके एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशंस क्वेश्चंस को सॉल्व, हाँ, गाइड बुक,
गाइड होती है. अवेयरनेस प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंसेस, ट्रेनिंग वर्कशॉप, इंटर्नशिप्स वगैरह इसमें दी जा सकती है. टीबीसी भी आया था. ई विद्वान क्या है? ई विद्वान अगेन इंफ्लिमनेट सेंटर ही इस ई विद्वान की वेबसाइट को हैंडल कर रहे हैं. ठीक है, सो ये प्रोफाइल होते हैं यहाँ पर साइंटिस्ट की, फैकल्टी रिसर्च साइंटिस्ट की. क्विकली आप इंफॉर्मेशन अपने एक्सपर्ट्स की देख सकते हो. जैसे अनअकैडमी पे आप नवदीप को सोचोगे मेरी प्रोफाइल में होंगे तो आपको मेरा पूरा बायोडाटा मिल जाएगा. ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स की पूरी दे दी है उन्होंने. ऐसे ही जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं या रिसर्चर्स होते हैं जो काफी अच्छे होते हैं, उनका पूरा डाटा ई विद्वान पे मिल जाता है. सो इस्टेब्लिश कर सकते हैं कम्युनिकेशन डायरेक्टली, आइडेंटिफाई कर सकते हैं पीयर रिव्यूअर्स को, मतलब वो एक दूसरे के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं एक्सपर्ट, और हम जो स्टूडेंट है वो भी इनसे मोटिवेट हो सकते हैं. ठीक है, इनकी प्रोफाइल्स वगैरह सीख के. यस, अवेलेबिलिटी ऑफ सिंगल पॉइंट एक्सपर्ट डाटाबेस हेल्प करता है. पूरा डाटाबेस अगर एक जगह पे मिल जाता है तो इससे पॉलिसी मेकर्स को हेल्प मिलती है और फंडिंग एजेंसीज को भी हेल्प मिलती है. 31 दिसंबर 2015, ये याद करने की जरूरत नहीं होती. वैसे इतना देखो कि यहाँ पर IITs, CSIR और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका डाटा अवेलेबल है. ई विद्वान में रिसर्च का डाटा है, ई शोध रिसर्चर और रिसर्चर का डाटा है. ठीक है, हाँ वहां पे जर्नल्स है. यस, रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स. आ गया जी आपका बादल, बहुत देर से आपका वेट था. देखो जी, सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो ये बनाया है IIT दिल्ली का प्रोजेक्ट है. ये IIT दिल्ली का, आपका भी है मैम. ठीक है, सो जो बादल है ना, इसका क्या मतलब है? ये बादल एक्चुअली इंटरनेशनल वर्ड है क्लाउड. ठीक है जी मैम, ऑल वी हैव, हाँ सबकी वैल्यू होती है. क्लाउड की हिंदी कर दी इन्होंने. क्लाउड की हिंदी क्या होती है? बादल. तो इंडिया का बादल बना दिया, ये काम किया इन्होंने. अभी क्या होता है देखिए, अगर कोई वेबसाइट है ना, अच्छा सुनो तुम, सो उस वेबसाइट को डाटा सोर्स चाहिए होता है, मतलब जगह चाहिए होती है. ठीक है, शायद आपका मन कर रहा है तो बैठे रहो, नहीं मन कर रहा तो आपकी इच्छा है. हमारी क्लास 2 घंटे होती है रोज. डाटा सोर्स वेबसाइट्स को चाहिए होता है, मतलब स्टोरेज के लिए, ताकि वो इस पर जो भी लिखना है वो सब लिख सके और सबका डाटा संभाल के रख सके. ठीक है, पीछे बैकअप वगैरह सब कुछ. तो इसके लिए अगर हम ये यूनिवर्सिटी वगैरह परचेज करती थी ना, तो मान लीजिए आपको चाहिए 2 टन को तो छोड़ो, चलो जस्ट एग्जाम्पल 2 GB. ठीक है, वैसे ही बहुत छोटा है, काफी ज्यादा चाहिए होता है ताकि आपको समझ आ जाए. एग्जाम्पल है ये. मान लीजिए एकदम से वेबसाइट पर लोड आ गया तो आपको इसको अपग्रेड करना पड़े, लेकिन एंड टाइम पे परचेज करना तो पॉसिबल नहीं होता है, उसमें भी टाइम लगता है. ठीक है, और अगर बाय चांस आपके यहाँ पर सिर्फ 1 GB ही यूज हो रहा है ओनली, हो सकता है 10 GB चाहिए आपको, तो अपग्रेड करने में और पैसे लगेंगे. और अगर 1 GB यूज हो रहा है तो 1 GB का पैसा वेस्ट जा रहा है, वेस्ट हो रहा है ना मनी. तो ये सब प्रॉब्लम आ रही थी. तो फिर इंडिया में क्या किया कि गवर्नमेंट ने अपना खुद का बादल बना लिया, और अब इस बादल से, इस बादल में इसकी वेबसाइट का नाम रखा मेघराज. तो इंडिया के गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इनको अगर कोई डाटा का सोर्स चाहिए, स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, तो वो मेघराज की वेबसाइट पे आके ले लेते हैं. ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग को हिंदी में बादल बोल दिया और इसकी वेबसाइट को मेघराज बोल दिया. ठीक है, फ्री मिलता है क्लाउड में. हाँ, जैसे आपको गूगल, यस दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल, हम सबको जैसे गूगल में 15 GB फ्री मिलता है, तो वो भी एक क्लाउड ही है हमारा. ठीक है, जो ये मेघराज है ये ओनली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट यूज कर सकते हैं, हम सब नहीं यूज कर सकते क्योंकि इन्होंने अपने लिए बनाया. सो क्लाउड कंप्यूटिंग में कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्स स्पेशली स्टोरेज कंप्यूटिंग पावर अवेलेबल ऑन डिमांड. अब इससे अब क्या हो रहा है, आप सुनो, पहले का तो समझ लिया, अब ये हो रहा है कि अगर मुझे 10 GB एकदम से चाहिए तो मैंने रेंट पे ले लिया, रेंट पे ले रहे हैं, पैसे देने पड़ रहे हैं, फ्री नहीं है, समझे, इनकी वेबसाइट को भी पैसे देने पड़ रहे हैं. और अगर मेरा एक्स्ट्रा पड़ रहा है, मेरे को लोड कम चाहिए, तो मैंने उसको वापस दे दिया, रेंट उसका कम कर दिया. ठीक है, रिड्यूस द लोड.
तो ये बात हो रही है। अब समझे, ये रेंट बेसिस पे कर दिया अपनी खुद की वेबसाइट्स के लिए डिजिटल। अभी मेघराज दोबारा जब आएगा तो डिटेल हो जाएगी। अभी क्लाउड कराया है, फ्री क्या हुआ? फिर फ्री नहीं होता, एनटी यूज करते होंगे। हाँ, और जब वो फॉर्म निकालते हैं तब इनकी क्रैश हो जाती है, वेबसाइट क्यों होती है, उनको अपग्रेड करना चाहिए, करते नहीं, गलत बात होंगी। डिजिटल एजुकेशन में क्या बात है, assertion reason में correct explanation कैसे फाउंडर करते हैं? जब हम डाउट क्लियरिंग क्लास करेंगे ना तब पूछना ही, ठीक है? अभी मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ, या फिर रात को 10 बजे वाली क्लासेस में से डिस्कस करते हैं। डिजिटल एजुकेशन में बात क्या है कि ये भी क्वेश्चन assertion reason में बना था, देख रहे हो, और मैंने कराया हुआ पहले भी। वास्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट सीकिंग गो फॉर इट, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और इन्फॉर्मेशन की भी बाढ़ आई हुई है। देखो अनअकैडमी पे अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो इतने सारे एडुकेटर अवेलेबल है, ठीक है, बाढ़ है। अब एक बंदा है ना, मैंने पैसे भरे, मैं सबको देखूंगा, वाह भाई वाह, देख लो तुम, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, उतनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी। तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ चॉइसेस, तो फिर चॉइसेस भी इंक्रीज होती है, मैं किसको देखूं, मैं क्या देखूं, मैं कहां से देखूं, होती ना प्रॉब्लम, फिर उससे चूज कर पाना इज डिफिकल्ट। यस, तो ये डिजिटल एजुकेशन का एक प्लस पॉइंट भी है और एक लेस पॉइंट भी है, ठीक है? तो यहाँ पर लर्नर्स को प्रॉब्लम होती है, कुछ करते हैं ऐसे और फिर रिजल्ट का तो क्या ही कहने। हाँ अच्छा, तो ईआर नेट आया, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क वाज इनिशिएटेड 1986 में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। अब ये क्या है ईआर नेट? प्रैक्टिकली ब्रॉड इंटरनेट टू इंडिया। एक्चुअली इंडिया में प्रैक्टिकली जब इंटरनेट आया था ना, तो किसके द्वारा आया था? ईआर नेट सैटेलाइट के द्वारा ही आया था, ईआर नेट प्रोटोकॉल के द्वारा आया था। तो मल्टी प्रोटोकॉल नेटवर्क है जो TCP/IP और OSI यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है इसका यहाँ पर फुल फॉर्म, तो यही तो होती है इसकी फुल फॉर्म। तो इनके द्वारा इंडिया में लेकर आया गया, गवर्नमेंट के द्वारा। तो इंडिया में सबसे पहले जब इंटरनेट आया था ना, तो प्रोटोकॉल को लाने वाला एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क था, ठीक है? सो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, अगर ये नहीं होता तो इंडिया में इंटरनेट नहीं आता। ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी है ये इंडिया की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को के अंदर आती है। प्रैक्टिकली यही इंडिया में इंटरनेट लेकर आए थे, नेशनल कैपेबिलिटी जो है ना नेटवर्किंग की, इन्होंने बनाई थी 86 में। सो ईआर नेट लार्जेस्ट नेशन वाइड टेरेसियल, मतलब लैंड एरिया से रिलेटेड सैटेलाइट नेटवर्क है, सैटेलाइट का नेटवर्क है। सो इसके जो फोकस एरिया वो ये नेशनल एकेडमिक रिसर्च नेटवर्क बनाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, डाटा कम्युनिकेशन में ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, हाई एंड नेटवर्किंग बनानी है, एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट करना है, कैंपस वगैरह में भी लोकल एरिया नेटवर्क की हाई स्पीड बनानी है। हिस्ट्री थी कि डायल अप नेटवर्क इंडिया में सबसे पहले 1986-87 में आया था, और वो ईआर नेट जो है ना एजेंसी, इन्हीं के द्वारा लाया गया था। इनिशियली UUCP मेल वाज ओनली सर्विस स्टार्टेड बाय ईआर नेट, मतलब ये सिर्फ इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब UUCP की फुल फॉर्म भी ढूंढनी पड़ेगी। ये वो है यूनिक्स टू यूनिक्स, ठीक है? हाँ, कॉपी प्रोग्राम UUCP, यूनिक्स टू यूनिक्स, वो लिनक्स यूनिक्स होता ना, ये है, वो है। एंड फर्स्ट लीज लाइन 9.6 KB इनिशिएट हुई थी 1991 में। फिर हम कहते हैं ना 1991 से डिजिटलाइजेशन शुरू हुआ है, स्टार्टिंग हुई है जब LPG आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। दिल्ली मुंबई में ये आया, एयर नेट अलॉट होता है, इन्होंने अलॉट किया था क्लास बी आईपी एड्रेस के, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, 128 से स्टार्ट होती है वैसे तो, लेकिन इसका नंबर था 144.16 करके, समझे? और उसके बाद फिर क्लास 6 के एड्रेस भी आए इंडिया में, तो इस तरीके से चला है। फिर IIT IISc बेंगलोर में सबसे पहले 1992 में इन नेटवर्क स्टार्ट हो गया था। फिर 1992 में जो इंटरनेट गेटवे लिंक है, जो NCST मुंबई टू UU नेट, यूनिक्स टू यूनिक्स नेट, वर्जीनिया नियर वॉशिंगटन डीसी, इसको वॉशिंगटन डीसी के साथ लिंक कर दिया गया था। 1998 में इंडिया रजिस्टर हुआ ऑटोनोमस सोसाइटी के रूप में, और फिर इन्होंने हमारा खुद का अपना नया
1999-2000 में न्यू टेरेसेल हाई स्पीड बैकबोन सेटअप कर दिया था। सैटेलाइट में वाइड एरिया नेटवर्क हमारे इंडिया में कब आया था, 1993 में, ठीक है, और आज की डेट में अलग अलग स्कीम्स में चल रहा है, ठीक है। ये डिजिटल इनिशिएटिव में इसका शॉर्ट में होगा, जहां पर मैंने आईसीटी इनिशिएटिव्स के चार्ट बना रखे हैं ना, तो शॉर्ट में होगा। यहाँ मैंने आपको ज्यादा डिटेल में बता दिया है। चलो, उसमें बहुत सारे बैकबोन है, मतलब ये कहाँ कहाँ लागू है, IITs में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में लागू है, ठीक है, इतना रटने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं ग्रंथालय, जो ई ग्रंथालय है, डिजिटल एजेंडा, लाइब्रेरी, ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग, ये जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव बता रही हूँ, ये या तो आईसीटी में होंगे और या तो हायर एजुकेशन में होंगे, मतलब कहीं भी मैंने पूरी पूरी लिस्ट दे रखी है, तो वो सारी लिस्ट के अंदर होंगी, ठीक है, ध्यान पे तुम लोग। ई ग्रंथालय, हाँ, ये ई लाइब्रेरी है, डिजिटल एजेंडा फॉर लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग। ये ई लाइब्रेरी बनाने के लिए सॉफ्टवेयर देती है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को, ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है ताकि जो लाइब्रेरी के वो ई को ई में कन्वर्ट किया जा सके। अब समझ में किसका इनिशिएटिव है, निक का, निक सर्वर के ऊपर ये काम करता है, ई लाइब्रेरी। ई ग्रंथालय लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने बनाया है, सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट है ये। मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी है, उसको अपनी बुक्स को ई में कन्वर्ट करना है और पूरा यूनिवर्सिटी का सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली उसको मैनेज करना है, तो ई ग्रंथालय से उन्होंने परचेज किया, पेड है ये, ठीक है, ई ग्रंथालय से सॉफ्टवेयर परचेज किया, आप इस सॉफ्टवेयर के वजह से वो अपने बना लेगी, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कर लेगी इलेक्ट्रॉनिकली। निक मतलब एप्पल है, निक एप्पल कहां से आ गया, निक मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इंडिया की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन जो कि MHRD के द्वारा बनाया गया है, नहीं MHRD नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेटिक्स के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इसका सॉफ्टवेयर जैसे 21,000 रुपए समथिंग का मिलता है, लाइब्रेरीज को ऑटो, हाँ ये वर्ड था, लाइब्रेरीज को ऑटोमेट करने के लिए यूज होता है, यस। प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह भी इनसे ले सकते हैं। अब हम आते हैं MOOC किट, IIT कानपुर का है MOOC किट, ये भी जैसे हमने ई आचार्य देखा खड़गपुर का, ठीक है, MOOC किट IIT कानपुर ने बनाया है, यस, निक ने हमें रैंडम मैसेज दिया, यस, कुछ रिलेशन था इस वर्ड से मुझे लगा। सारी क्लासेस देखो, वहां पे निक मैंने पढ़ाया है पीछे, सबसे पहले फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़ा था। MOOC किट मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक है, तो ये इंटरनेट नोवाइस इन माइंड, मतलब कि ये क्या करता है, अगर मान लो मुझे इंटरनेट वगैरह नहीं आता, मुझे अपनी सॉफ्टवेयर देने हैं या ऑनलाइन कोर्सेज करवाने हैं, तो फिर हम MOOC किट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टू क्लास में पढ़ाया था। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करता है, एक प्लेटफॉर्म है, एक ढांचा रेडी करता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का। तो Drupal कंटेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है जो कि CMS कंपोनेंट पे काम करता है, ठीक है। Drupal कंटेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क काम करता है, तो इनमें जो यूज हो रहा है ना कंटेंट मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क, वो किसका यूज हो रहा है, Drupal का यूज हो रहा है। Drupal क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है ताकि हम इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अपलोड कर सके। ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज वाले या इंस्टीट्यूशन MOOC किट को यूज करके कोर्सेज, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज दे सकते हैं, इसके लिए बनाया गया है, ठीक है। क्या हो गया, आगे मॉडल भी आएगा, ठीक है, आ जाएगा। और इंडिया में फ्यूचर स्किल प्राइम करके ये ऐप जारी करी है, ये किसके लिए, ऑनलाइन फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म है, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, NASSCOM के द्वारा बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ ये कौन है, अभी बताया था, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, यही फुल फॉर्म थी ना, भूल गई, अभी बताई थी मैंने। सो इन्होंने और MEIT और NASSCOM इन्होंने मिलकर बनाई है, यस, इंफॉर्मेटिक्स। तो इसके अंदर स्किल्स वगैरह सीख सकते हैं, प्राइम इनिशिएटिव है फ्यूचर स्किल्स प्राइम। NASSCOM की फुल फॉर्म है ये, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर सर्विस। इसके फीचर क्या है, ये सबसे पहले तरीके का ऐसी पार्टनरशिप है जो हमने NASSCOM के साथ भी की है, और डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए एंड टू एंड स्किलिंग असेसमेंट टू सर्टिफिकेशन, मतलब आप स्किल सीख सकते हो, यस, आप भी कर सकते हो इसमें कोर्सेज,
इसमें कुछ कोर्सेज पहले बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे, फिर मुझे लगता है इनको पढ़ता नहीं आया, नैसकॉम के साथ लड़ाई हो गई होगी तो इसको पेड कर दिया. तो अफोर्डेबल क्रेडिबल हैंडपिक्ड इंडस्ट्री लीडर्स के द्वारा कोर्सेज करवाए जाते हैं यहाँ पर और वो किए जा सकते हैं. ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन 3 phases में हुआ है. फर्स्ट फेज 2022 में आया था, फिर 21 में, फिर 21 में. फर्स्ट बस इतना ही करना है, इसमें सर्टिफिकेट भी मिलते हैं, वर्चुअल लैब्स भी है, स्किल वॉलेट, स्किल को इंक्रीज कर सकते हैं हम. ठीक है, स्किल को नैसकॉम तो कंपनी है प्राइवेट, उसकी हेल्प से इंडिया में बनाया ये फ्यूचर स्किल प्राइम की, फ्यूचर की स्किल सीख सकते हैं बच्चे. हाँ, लेकिन सस्ते में हो जाते हैं बड़े बड़े कोर्सेज, जो बाहर कहीं लाखों में होंगे तो यहाँ पे थाउजेंड्स में हो जाते हैं. ऐसा है कंप्यूटर रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड स्किल्स रिलेटेड कोर्सेज होते हैं यहाँ पर. तो जैसे बिल्ड डिजिटल फ्लुएंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स, इंटरनेट ऑफ थिंग के कोर्सेज, बिग डाटा, प्रोफेशनल स्किल्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव है ये. ठीक है, हाँ, जैसे कि मान लो आपको इतने रुपए का इनिशिएटिव मिला, ऐसे फुल फॉर्म मैम तुम थोड़ी देर और सो जाओ. ठीक है, सारी फुल फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पर. अच्छा, इसे सर्टिफिकेशन भी मिलता है, ये याद करने वाली चीजें हैं. हाँ, और क्या, इसमें सर्टिफिकेट भी मिलता है, कस्टमाइज भी करवा सकते हैं अपने हिसाब से जो जो कोर्सेज में हमें चाहिए. यूट्यूब पे इसकी वीडियो बनाई थी शायद, हाँ बनाई थी जब आया था ये नया नया. अब आगे आते हैं, ये B2B है, इनके से हेडिंग पढ़नी है और ज्यादा नहीं पढ़ना. अब आएंगे हम ICT गवर्नेंस. गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, हम अगर कोई वर्क कर रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंटली करना चाहिए, सबके हितों के लिए, मतलब सबके लिए करना चाहिए. ठीक है, सो गवर्नेंस का मतलब जो भी पर्सन है अपने लेवल पे जो काम करता है वो सही तरीके से करे, ट्रांसपेरेंटली करे, उसकी जवाबदेही हो, करप्शन ना करे, ये सब चीजें हैं. ठीक है, प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग करे, चिटिंग ना करे. इंक्रीजेस इसको ICT में लेकर आया गया क्योंकि इंटरनेट पे इसकी जरूरत है. इससे अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी बनती है कि अगर मेरे को कोई काम सौंपा गया तो मुझे वो करके देना पड़ेगा. ट्रांसपेरेंसी बनती है, हायर अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक डोमेन इंफॉर्मेशन, करप्शन कम होता है. देन हायर पेनिट्रेशन ड्यू टू ऑटोमेशन, ई गवर्नेंस वाला क्वेश्चन इसी से आता है. हाँ, और हायर पेनिट्रेशन का मतलब है कि ज्यादातर हम पहुंच सकते हैं जहां तक हम पहले नहीं पहुंच पाते थे. ठीक है, पेनिट्रेट कर सकते हैं पहुंचना. देन रिलायबल विश्वसनीय है. स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया का मतलब प्रेजेंस अक्रॉस नेशन, पूरे फुल इंडिया में होना. हमारी फ्रेंड पूछ रही है जैसे अगर किसी ने अपना सब्सक्रिप्शन देना है तो कैसे करते, अपनी PDF से तैयारी कैसे करें आफ्टर क्लास. सो जो मैं क्लास में करा रही हूँ, आप वीडियो को अगेन एंड अगेन देखो, कोई टॉपिक ऐसा है जो मैंने कहा कि आप इसको देख लेना तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो पेपर में PDF से. ठीक है, और वैसे PDF में मैंने ज्यादातर ये रेड और ब्लू मार्क करे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं. IT ट्रेंड सपोर्ट मटेरियल्स, उसको फोन नंबर देना होता है और OTP आता तो उसको बार बार देना पड़ेगा आपको. ठीक है, और अगर जैसे मान लो सेम टाइम पे नहीं देख पाते, अब अगर आपका टाइम अलग है तो उसका टाइम अलग है, फिर पढ़ पाओगे. फिर जिस टाइम आप नहीं पढ़ रहे उस टाइम पे उसको आपको OTP देना पड़ेगा, वो लॉग इन करेगा तो. ठीक है, नहीं तो लॉग इन हो जाता है, लॉग आउट हो जाता है, है ना, एक एक पॉइंट का गिनना होता है आपने, है ना. अच्छा देखो, गवर्नेंस का मतलब नहीं, डाटा मैनेजमेंट नहीं है, जो काम हम कर रहे हैं उसको सही ढंग से करना होता है, वो कहते हैं गवर्नेंस. डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है वो बाय द पीपल, लोगों के द्वारा बनी है, ऑफ द पीपल, लोगों की है, फॉर द पीपल, लोगों के लिए कार्य करेगी. तो ये सारे वर्क सही से करने हैं क्योंकि आप गवर्नमेंट हो, आपको पब्लिक ने बनाया तो आपको पब्लिक के लिए सही काम करना है. ऐसा, हाँ वो सारी सेल हो गई, अब आज रात को या कल आएंगी. और अब इधर एक लिस्ट दे रखी है तो इसको देखें. 1970 में यहाँ पे ईयर याद करने पड़ेंगे. ठीक है, याद करने वाली चीजें, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आया था. ईमेल ID से देना चाहता है तो ईमेल ID चेंज हो सकती है क्या? ईमेल ID क्यों चेंज होगी? तुम ना अनअकैडमी वालों को फोन करके पूछो. ठीक है, वो ऐसी डांट लगाएंगे ना तुम्हें क्योंकि ये अनऑफिशियल है, क्योंकि ये अलाउड नहीं है शेयरिंग. ठीक है, वो तुम्हारा भी बंद कर देंगे. अब पढ़ लो तुम. 1970
नोटिफाई हो जाएगा, हाँ नोटिफाई में भी क्लिक कर लो, उससे हो जाएगा। 1970 डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आया, 76-77 में निक आया। निक क्या है हमारे इन मतलब, अरे तुम ये ऑफिशियल नहीं है कि जो सब्सक्रिप्शन है वो शेयरिंग में लेना, लेकिन अगर लेना भी है तो फिर ऐसे बार बार शेयर करना पड़ेगा ओटीपी, समझे। अब मेरे को पढ़ाने दो। सो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मैम हम खुद अनअकैडमी से जब कॉल आई थी बताया गया था कि शेयर नहीं शेयर कर सकते है ना, वो लॉग आउट हो जाता है, इसलिए उन्होंने ये सिस्टम कर दिया, बार बार ओटीपी शेयर करना पड़ता है। सो ये इतना खुलने में आराम से पूछे जा रही ना, फिर नहीं मैम कर सकते हैं ये बोला था। अच्छा अरे लोग लेते हैं शेयरिंग में, लेकिन वो ऑफिशियली नहीं है, ठीक है। तो अब आपको लेना है, अगर अनअकैडमी से कॉल आया था तो आप एक काम करो, अनअकैडमी के हेल्प पे जाओ, उनसे फोन पे बात करके देख लो, वो आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। हाँ होना होगा हाँ समझा देंगे, ना बोलना वरना समझा देंगे, सिंपल सी बात है। अब मेरे को पढ़ाने दो। हाँ ये ग्रे मार्केटिंग है, गुड नेहा। अब मैं क्लास में कुछ पढ़ाऊं, क्योंकि हमारी ये आखिरी क्लास है, फिर इसके बाद जो बाकी बच जाएगा मुझे कल पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है पढ़ लो। सो 1980s में यूज ऑफ कंप्यूटर बिगन इंडिया में, बेसिकली 1980s में कंप्यूटर का यूज शुरू हुआ था और इंटरनेट वगैरह आ गया था 1986-87 में, हमने देखा ईआरनेट के वजह से आया था। फिर 1987 में निक नेट शुरू हो गया था, आ गया था, बता तो दिया क्वेश्चन बैंक वाली बुक आज रात को या कल आएगी, और कैसे बताऊं। और वैसे मेरे को पता चलेगा तो मैं टेलीग्राम में भी बता दूंगी, नहीं तो खुद भी चेक कर लेना, लिंक तो वही है। 1987 में लॉन्च ऑफ निक नेट या नेशनल या डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम आया था। हाँ जी, सो 1998 में नेशनल टास्क फॉर इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आया था। ये आपने खुद ही पढ़ना है फिर, क्योंकि जब मैं ये करा रही हूँ बोरिंग लग रहा है बातें कर रही हूँ। सो एक 2000 से लेकर 2005 तक 12-point ई गवर्नेंस लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट से सिटीजन, सिटीजन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव निकाला, और गवर्नमेंट टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट का इनिशिएटिव निकाला, ठीक है ऐसा। हाँ जी, 2006-11 में नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम, 2015 में डिजिटल इंडिया आया था प्रोग्राम, और ई ग्रंथालय भी 2015 में आया था, ठीक है। तो ये ईयर याद करने की कौन सा कब आया था, क्योंकि पेपर में पूछ लेता है या सीक्वेंस में भी लगाने को आ जाता है। तो ये रही ना फुल फॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये मिनिस्ट्री कैसे बनी, इससे पहले डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम था सिर्फ, उसके बाद इनका नाम चेंज हुआ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2012 में। उसके बाद 2016 में इस डिपार्टमेंट को चेंज करके मिनिस्ट्री बना दिया गया। ई ग्रंथालय लाइब्रेरी के लिए सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, और जिससे लाइब्रेरीज को ऑटोमेट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को हेल्प मिलती है, समझे। ऑब्जेक्टिव क्या है, ई गवर्नमेंट, इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नमेंट के सारे काम किए जा सकते हैं, सर्विस दी जा सकती है। ई इंडस्ट्री, ई इनोवेशन, ई लर्निंग, ई सिक्योरिटी, सारा कुछ ई है इसमें। इंटरनेट गवर्नेंस, इंटरनेट के द्वारा गवर्नेंस किया जा सके। जो 12 पॉइंट वाली बात की थी कब आई थी बताओ, 2000 से 2005 के बीच में, राइट। तो ई गवर्नेंस से रिलेटेड 12 पॉइंट्स इन्होंने बनाए कि ये सब हमें फॉलो करना है आगे आने वाले 5 साल के अंदर अंदर, 2000 से 2005 के अंदर अंदर। यस, इंक्लूजन का मतलब सबको इंक्लूड करना है अपने साथ, ठीक है। हाँ जी, सो ईच मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट मस्ट प्रोवाइड पीसी विद सॉफ्टवेयर, लोकल एरिया नेटवर्क मस्ट ऑल्सो बी सेटअप। इसको मैं अपनी लैंग्वेज में बता देती हूँ, पूरा पॉइंट टू पॉइंट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीजें इसमें। इसमें ये बोला कि गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट होंगे उनमें पीसी और सॉफ्टवेयर वगैरह लोकल एरिया नेटवर्क के कनेक्शन होने चाहिए, ठीक है ये बोला। और क्या कहता है, उन डिपार्टमेंट्स में जो आपके लेटर्स हैं इसको ईमेल के थ्रू भेजना है, कोई भी सर्कुलर नोटिस वगैरह भेजना है ईमेल के थ्रू भेजना है। इनके जो पे रोल है वो भी आएगा कहीं,
पेरोल का मतलब कि किसी की सैलरी बतानी है, कितनी सैलरी है और आपका कितना अमाउंट बना, वो भी आप इलेक्ट्रॉनिकली भेजेंगे, ईमेल्स के थ्रू बताएंगे कि क्या है क्या नहीं, सारे नोटिस इंटरनली ईमेल के थ्रू जाने चाहिए। इसलिए इन्होंने कहा कि एक टेम्पलेट होता है ना, एक जो फिक्स इंफॉर्मेशन है उसको फिक्स रखो और बस चेंजेस करके आप ईमेल इस तरीके से बना के भेज सकते हैं। और फिर हर डिपार्टमेंट की और मिनिस्ट्री की अपनी वेबसाइट होनी जरूरी है। सारे रूल्स सर्कुलर्स को ई फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है, जैसे कि कोई नया एक्ट निकलता है उसको ई गैजेट में कन्वर्ट करते हैं ना। हाँ जी, गवर्नमेंट की वर्किंग इलेक्ट्रॉनिक करनी है, बस सिंपल यही बोल रही है। फिर वेबसाइट्स, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें सभी को अवेलेबल हो। मतलब हम लोग को कोई भी डिपार्टमेंट देखना, उनकी वेबसाइट अवेलेबल होती है ना इंटरनेट पे, हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन का चेंज करने का ऑप्शन भी होना चाहिए। और यस, वो है सभी डिपार्टमेंट्स के, आप देखते हो एनटीए के उस पे भी होता है इंग्लिश हिंदी चेंज करने का ऑप्शन। ईच मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट शुड डेवलप पैकेज ताकि इलेक्ट्रॉनिकली सर्विस दी जा सके, और इसको 5 ईयर का पूरा प्लान बनाया कि इसके अंदर सब कुछ हो जाना चाहिए। ये थे बस 12 पॉइंट। अब आते हैं ई गवर्नमेंट्स के, ई गवर्नेंस के अंदर क्या क्या है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज को और इम्प्रूव करना, क्लाउड कंप्यूटिंग करना। ओपन सोर्स से ही होता है कि ना सब कुछ सस्ते में मिल जा, फ्री में मिल जाता है। जैसे अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खरीद नहीं सकते क्योंकि वो पेड होता है, तो हम ओपन ऑफिस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई अपना खुद का वो नहीं बना पा रहा सॉफ्टवेयर तो वो फोसी से ले सकता है, तो ये हेल्प हो गई ना सबकी। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ऑनलाइन प्रोजेक्ट निकाला गया, ये ब्रिज करता है, मतलब एक जोड़ने का काम करता है गवर्नमेंट से गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से सिटीजन को, सिटीजन मतलब हम लोग आम आदमी। सो इसके अंदर क्या किया इन्होंने, सीआईसी के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट की स्कीम इंफॉर्मेशन सारी की सारी इस पोर्टल पे अवेलेबल करी। ऐसा ओपन से कैसे ले सकता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सबके लिए फ्री होते हैं, इसको कोई भी यूज कर सकता है, इसलिए ले सकता है। ठीक है, नहीं तो फिर हमें पे करना पड़ेगा और लाखों करोड़ों रुपए लग सकते हैं। इससे क्या होगा कि प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्ट कर सकते हैं इजीली। पैन स्टेटस का मतलब, अब यहाँ पर पैन कार्ड वाला है, पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन इलेक्शन का रिजल्ट देख सकते हैं कि हमारा इलेक्शन में लिस्ट में नाम है कि नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग करी जा सकती है, कंप्यूटर एडिट पेपरलेस एग्जामिनेशन सिस्टम, एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आपका मोजिला फायरफॉक्स का जो वेब ब्राउजर है वो भी ओपन सोर्स है, फोसी बताया मैंने वो भी ओपन सोर्स है। ठीक है, तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है, कंप्यूटर एडिट पेपरलेस एग्जामिनेशन, हाँ लाइनस भी है, यूनिक्स भी है। जो पेपरलेस ये केप्स है, हमारा जो नेट का एग्जाम होता है तो ये भी कैसा होता है, ये भी तो पेपरलेस ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन एक्सेस टू कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में हम ले सकते हैं। यूनिक्स पेड है, अच्छा लाइनक्स वो है ओपन सोर्स। ये क्या कहता है कि सीईसी कहता है कि जितना भी डिजिटल डिवाइड है इसको कम करना है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एंड सब कुछ ऑटोमेट करना है। इनका ऑनलाइन प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कहा गया कि ई फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सीआईसी सक्सेस हुआ, यस, इसमें बिजनेस मॉडल बना, बेटर पब्लिक अवेयरनेस हुई, ठीक है, नॉलेज मिली, डाइवर्सिफिकेशन। अब हम आते हैं कि टोटल 2006 से लेकर 2011 तक का जो नेशनल ई गवर्नेंस का प्लान था, तो वो 11th 5-year प्लान में आया था, 11th 5-year प्लान में आया था। अब इस प्लान में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर क्या था, हाँ जी 1, 2, 3 कर लेते हैं, 1, 2, 3 रेडी, हाँ जी देख रही हो और क्या क्या है इसमें पीडीएफ में, ठीक है। अब सुनो, जैसे कि स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की, मतलब हर स्टेट पे वाइड एरिया नेटवर्क बनाया जाए, वाईफाई वगैरह बनाए जाए, स्टेट डाटा सेंटर्स, कॉमन सर्विस सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टेट का पूरा पोर्टल होना चाहिए, पोर्टल का मतलब सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वेबसाइट वगैरह में। कैपेसिटी को अच्छा करना है, ई डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का सारा, अब स्टेट का बता दिया हमने, डिस्ट्रिक्ट का भी बनाओ।
सिटीजन एंगेजमेंट, अब सिटीजन आपकी वेबसाइट से एंगेज कर सके, ऐसा कैसे? वहां पे चैट ऑप्शन होता है, हेल्प ऑप्शन होता है। डिजिटल इंडिया का जो टॉपिक है उसके अंदर क्या आता है, तीन चीजें आती हैं, एक है इंडिया का टैलेंट, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडिया कल का इंडिया। ठीक है हिमांशी, वर्ड टू वर्ड देखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आपको इधर भी मिल रहा है उधर भी मिल रहा है, दोनों से मिलाकर पढ़ सकते हो। हाँ जी, ज्यादातर उसमें कंटेंट है, जरूरी नहीं है कि मैं एक एक चीज स्पून फीडिंग करूं, समझे? ये सिंपल चीजें हैं जो इजी भी अंडरस्टैंड करने को। मींस गवर्नमेंट कॉमन मैम, NEGP मतलब ये कहाँ से? ये तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में सबके लिए क्या क्या करना है तो हिमांशि को पकड़ो फिर, 291 पेज पे है, तो अपने आप देख लो। मेरे को मेरी क्लास में मेरे हिसाब से पढ़ो, बाद में बुक में झांटी मारते रहना इधर उधर, ठीक है? डिजिटल इंडिया में इन क्या कहता है, मोदी जी ने इंफॉर्मेशन दिया कि इंडिया का टैलेंट, हाँ अच्छी बात है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडिया का टुमोरो, कि कल का इंडिया बनाएगा ये, ठीक है? इंडिया का टैलेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा तो इससे कल का इंडिया बनेगा, ऐसा। सो टोटल 9 पिलर्स आर आल्सो गिवन। 9 पिलर में कौन कौन से ये आपको पता होने चाहिए। पहला है कि हाईवेज पे ब्रॉडबैंड बनाना है, सिंपल। दूसरा, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन, सबको फोन मिलने चाहिए, एक्सेस होने चाहिए। देन पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, फिर ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का मैंने पीछे डिस्कस करा है इतना सारा। ई क्रांति के अंदर क्या आएगा वो मैं आगे डिस्कस करूंगी डिटेल में। सभी को इंफॉर्मेशन इजिली मिलनी चाहिए। ब्रॉडबैंड होता है इंटरनेट, जैसे ब्रॉडबैंड कौन है, एयरटेल का, जियो का, एमटीएनएल का। सो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, नेट जीरो इम्पोर्ट, हम चाहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ना वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो और हमारी इम्पोर्ट कम हो। आईटी फॉर जॉब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जॉब्स के लिए यूज किया जा सके। अर्ली हार्वेस्टिंग प्रोग्राम्स हम आगे डिस्कस कर लेंगे, अब जो इसमें से डिफिकल्ट पार्ट है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि ई क्रांति, ई क्रांति में हर लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक चीजों का उसको ई फॉर्म से सर्विसेज देनी है, जैसे कि स्कूल का सारा डाटा, हेल्थ केयर, जो किसान है, किसानों को आया था ना कॉल पे या इलेक्ट्रॉनिकली फोन पे या वेबसाइट्स पे बताते हैं कि किस किस तरीके से इनको सीड्स को यूज करना है, ठीक है? ऐसे स्कूल्स को, हेल्थ केयर, आजकल डॉक्टर ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं, ये सारी चीजें हैं। ई चौपाल, हाँ, तो ई क्रांति, हर एक सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन देना लोगों की हेल्प करने से रिलेटेड है, समझे आप? देखो फार्मर का आ गया, सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जस्टिस देना है, अब ई कोर्ट भी आ गई है, ई पुलिस, ई जेल, ई प्रोसिक्यूशन। कोर्ट जो है वो ऑनलाइन ही हो रही होती है, अपने अपने एरिया में फोन से बैठ के सुनवाई करवा लो। इंफॉर्मेशन टू ऑल, सबको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो इसलिए mygov.in करके एक वेबसाइट का नाम है, इस पे सारे के सारे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है? ई जेल हो सकता है कि आपको आगे से कभी भी बैन, हाँ ई कोर्ट तो है मैंने देखा है, ई जेल में आपको हर जगह से बैन कर दे जब आप अलाउड ही नहीं हो, ठीक है? या फिर हर जगह ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, तो ये सब चीजें हो जाती है। अर्ली हार्वेस्टिंग प्रोग्राम के अंदर इन सभी के ईयर वैसे 2014 या 15 ही है, ठीक है? इसमें बेसिक फटाफट से समझने वाला है, अंदर का डाटा पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को जैसे इलेक्शन हो रहे होते हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जारी करनी होती है, लाइक बाढ़ आने वाली है कुछ, तो वो मैसेज सबको पहुंचते हैं ना, तो आईटी प्लेटफॉर्म ताकि इजीली वन वो में सभी के सभी कस्टमर्स को वहां उस एरिया में जो है कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो मैसेजेस पहुंच सके, ठीक है? मजेदार, गवर्नमेंट ग्रीटिंग टू बी ई ग्रीटिंग, तो गवर्नमेंट कुछ ग्रीटिंग्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली टेम्पलेट्स बना के रखे और उस टेम्पलेट्स को आगे आगे भेजा करे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस काफी सारे उसमें है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसमें अंगूठा लगा के हम अटेंडेंस देकर अंदर जा सकते हैं। वाईफाई सभी यूनिवर्सिटीज में है, ईमेल गवर्नमेंट के अंदर मिल रहा है, स्टैंडर्डाइज गवर्नमेंट डिजाइन्स है, मतलब स्टैंडर्डाइज का मतलब हर वेबसाइट, हर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट एक जैसे काम करेगा। पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट, अब जैसे कि एग्जांपल के लिए रेलवे में आपको वाईफाई हॉटस्पॉट की सुविधा मिलती है, जिसको कोई भी उस पासवर्ड को डाल के यूज कर सकता है। स्कूल बुक्स को ई बुक्स में कन्वर्ट करना, एसएमएस,
के द्वारा आपके मौसम की जानकारी मिल पाना. देन नेशनल पोर्टल लॉस्ट एंड फाउंड बच्चे, जो बच्चे खो गए हैं या मिल रहे हैं तो उनके बारे में बताना. ठीक है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ आएगा ना, फिर इतना रोने की क्या जरूरत है. 2 साल के बच्चों, तुम मैजिक चेक ही तो करना होगा कि हाँ ये वाला इनिशिएटिव हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा. इतना बेसिक चीज है वो. इससे फायदे क्या होंगे, इसमें ऐसा कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, जनरल चीजें है कि क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा. मैं ना भी पढ़ाऊ तब भी अपना खुद का लॉजिक होना चाहिए, तब भी हो जाएगा. अच्छी अच्छी चीजें लिखनी है, बुरी बुरी चीजें हटानी है बस. सो ई गवर्नेंस से गवर्नमेंट, से गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से सिटीजन, गवर्नमेंट से बिजनेस, बिजनेस सिटीजन से गवर्नमेंट, बिजनेस से गवर्नमेंट, सब कर दिया उन्होंने, सब आगे पीछे कर दिया. तो इन सबको आपस में कनेक्ट करना है बस. ठीक है, सिटीजन का पार्टिसिपेशन करवाना है, इंडिया में सही तरीके से गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है उनको प्रमोट करना है. तो ये इसका फायदा हुआ कि हाँ प्रमोट हुई है स्कीम्स वगैरह. और ये भी देखा गया, अगर लोगों से पूछा कि क्या ई की वजह से करप्शन घटा है, तो लोगों ने कहा हाँ, 81% लोगों कहते हैं कि यस करप्शन कम हुई है, और 95% को लगा कि ई गवर्नेंस सस्ता है, अफोर्डेबल है. ठीक है, तो इस तरीके से लोगों ने भी बताया. स्मार्ट अप्रोच है इंडिया में, स्मार्ट अप्रोच क्या कहती है, स्मार्ट कहती है सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंटली, सब कुछ देना है सिंपल. तो ई गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, आसान. ये नहीं है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो गई, हमें हमने सोचा चलो छोड़ो हमें आरटीआई नहीं लगानी. ठीक है, सिंपल होना चाहिए, मोरल, सही तरीके से नैतिकता को फॉलो करे, जवाबदेही हो पीछे से डिपार्टमेंट की, रिस्पॉन्स करे वो लोग, और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो. ओके जी, अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं निक नेट. देखा था हमने पीछे, पहले निक आया था फिर निक नेट आया था. निक ने निक नेट को लॉन्च किया, मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर ने नेटवर्क को लॉन्च किया, जो स्टार्ट हुआ था 1988 में. फिर निक नेट वर्ल्ड लार्जेस्ट सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर कम्युनिकेशन का नेटवर्क है इंडिया का, इंडिया का क्या वर्ल्ड का लिखा है. अब इसके द्वारा इंडिया में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सबको इलेक्ट्रॉनिकली करना शुरू कर दिया गया. आगे जो है ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसमें कोई अंदर का करने की जरूरत नहीं है. जैसे एग्जाम्पल के लिए कर्नाटक में जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं, घर हैं लोगों के, फार्मर्स हैं, उन सब के घरों का जो ब्यौरा है उनको ऑनलाइन लाया गया. अब ऑनलाइन देखा जा सकता है कौन किस जगह का मालिक है, सब कुछ ऑथेंटिकेशन मिल गया. 2008 में, ये क्यों बोल रही हूँ मैं, ये सबसे पहले वहां हुआ था, बाद में हमारे यहाँ सब जगह हुआ है. तो कर्नाटक में राइट टेनेंसिटी एंड क्रॉप्स, कि किसका किस जमीन पे हक है, कौन इसका मालिक है, कौन इधर किराएदार है, कौन सी क्रॉप उगाई जा रही है, सारी चीजें आया. हाँ, इसके अंदर ठीक है. इस नाम को, इसको प्रोजेक्ट, भूमि मतलब जगह, लैंड, लैंड के रिकॉर्ड है ये. ठीक है, ये ऑल ओवर सभी जगह पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. ठीक है, कर्नाटक में सबसे पहले हुआ था, हमने इसलिए उसका एग्जांपल लिया बस. सो इन 2014 डिजिटल इंडिया कैंपेन बूस्ट अप हो गया और नेशनल क्लाउड बना इंडिया का. अब इंडिया का क्लाउड बना, इसको हिंदी में बोलेंगे इंडिया का बादल बना. और इसका नाम क्या रखा वेबसाइट पे, मेघराज. इसकी कहानी मैंने अभी बताई आपको. जब मेघराज शुरू नहीं हुआ था तो कहानी सुनाई थी ना, वही लिखी है यहाँ पर. सभी डिपार्टमेंट को अपना खुद का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना पड़ता था और उनको डाटा मेंटेन करना पड़ता था. कभी कभी डाटा एक्स्ट्रा हो गया है, कभी कभी डाटा कम हो गया है. अब इनको प्रॉब्लम हो रही है, इनके सर्वर आधे से ज्यादा खराब रहते थे. फिर अब नया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि भाई एक मेघराज बना लेते हैं. और मेघराज बनाया कब, 2014 में. ये रही उनकी वेबसाइट, आप जाके दर्शन दे सकते हैं लेकिन लॉग इन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप गवर्नमेंट नहीं है. अब यहाँ पर चूज करना होगा कि आप सेंट्रल डिपार्टमेंट के हैं या स्टेट डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के. फिर उसके अंदर रजिस्टर करना होगा और आपको अपनी वेबसाइट के लिए, डाटा सोर्स के लिए जगह मिल जाएगी. आगे समझ, ये कहानी है पूरी, मतलब फटाफट से इनको जगह मिल जानी है. काम ही नहीं पता तुम्हें इतनी देर से. अरे यार, किसने सुनी थी कहानी थोड़ी देर पहले, मतलब कुछ स्लाइड्स पहले पढ़ाई थी. जो मेघराज है ना, इससे अपनी वेबसाइट पे डाटा स्टोरेज के लिए जगह चाहिए होती है. अगर हमें ज्यादा एक्स्ट्रा जगह चाहिए तो हम रेंट पे और ले लेंगे, नहीं चाहिए तो वापस कर देंगे, ऐसा होता रहता है. ठीक है, गवर्नमेंट न्यूज का है ये.
ऐसे ही इसमें भी जस्ट एग्जांपल के लिए है, इंडिया के जो IRCTC है, ये मैक्सिमम वर्ल्ड की सेकंड बिजीएस्ट हाईएस्ट वेबसाइट से में से एक है, काफी बिजी रहती है, और इन्होंने भी सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। अब ऑनलाइन तो वो क्या कह रहे थे अभी कोविड के बाद, पैसेंजर टिकट नहीं, वो कौन सी होते हैं जो सिर्फ छोड़ने जाते हैं, वो वाली टिकट भी मिल जाती है, प्लेटफॉर्म टिकट भी मिलने लग गई ऑनलाइन। ठीक है, यस। तो आईसीटी का फुल्ली आईसीटी इनेबल्ड है, IRCTC। देन नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन आया है हमारा, लिटरेसी मतलब लोगों को पढ़ा लिखा करना है जो छोड़ कर जाते हैं। अरे अरे प्लेटफॉर्म पे होता है ना, अपने रिश्तेदार को छोड़ने जाते हैं तो उसकी भी टिकट लगती थी पहले से 5 रुपए, अब तो ऑनलाइन कर दिया तो 50 रुपए करती है। हाय हेलो बाय बाय बोलने जाते हैं लोग। हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1994 में आया था, इन्होंने नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन मतलब साक्षरता अभियान निकाला। मैं तो 5 रुपए भी देखी थी, अब 50 कर दिया है, क्या हुआ क्या नहीं, रेलवे वाईफाई इज फास्ट। मैंने क्यों मना किया, मैं तो प्राइस बता रही हूँ, महंगी कर दी टिकट सी ऑफ की भी, मतलब तुम्हें ट्रेन में जाना भी नहीं है तब भी टिकट। वो वैसे इस वजह से की थी कि कोविड में भीड़ ना लगे लोगों के, छोड़ने वालों के, छोड़ने वाले छोड़ो इतना ध्यान दो, सी ऑफ करने वालों की। तो डिजिटल साक्षरता अभियान नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन है ये। इस मिशन में क्या है कि हर हाउस होल्ड का, हाँ ज्यादा भीड़ ना हो, सर्वे किया जाता है डिजिटलाइजेशन के लिए, कि इनका मेन मिशन है कि हर घर में से एक पर्सन हो, यानी कि उसको कंप्यूटर चलाना या मोबाइल फोन चलाना आता हो, समझे, ये मिशन का वो है। उसमें से ढूंढना कि कौन से वाले बेनिफिशियरी को पकड़े जिनमें से एक भी बंदे को नहीं आता, इसमें से किसको हम सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे। हाँ ठीक है, इम्पार्टिंग अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, और फिर अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग देते हैं उनको ताकि वो एटलीस्ट मोबाइल चलाना सीख जाए, SMS वगैरह ईमेल वगैरह सीख जाए, ताकि इम्पोर्टेंट काम वो कर सके। फिर ये सब किसके द्वारा किया जाता है, OMA ऑनलाइन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये पीछे भी आया था ना OMA LMS। हाँ जी, डिजी लॉकर आ गया जी अपना। डिजी लॉकर की वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखती है, इसके अंदर हम इंडियन रेलवे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अदर वैलिड ID प्रूफ्स को भी रजिस्टर कर सकते हैं, और अब NAD के जो काम था, सारे सर्टिफिकेट्स अवार्ड, वो भी हम रजिस्टर कर सकते हैं, और ये लाइव होगा और ये मान्य होगा। मान लीजिए हम स्कूटर चला रहे हैं लेकिन हम ड्राइविंग लाइसेंस घर भूल गए, तो हम अगर डिजी लॉकर वाला दिखाएंगे तो वो यस एक्सेप्टेबल होगा। इनकी ऐप भी आती है, वेबसाइट भी आती है, खुद से घर पे भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। आप डिजी लॉकर की ऐप डाउनलोड कीजिए या वेबसाइट पे जाइए, और आप अपना सिर्फ आधार नंबर डालेंगे, इसमें कुछ तो सर्टिफिकेट्स या वोटर आईडी कार्ड अपने आप ही आ जाएंगे सारे, ठीक है, क्योंकि वो आधार लिंक जो है वो अपने आप आ जाएंगे। और कुछ अगर नहीं आएंगे तो जो आपका यूनिवर्सिटी लगती है या बोर्ड लगता है, तो उस पे क्लिक कर करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप बहुत इजी है, मैंने भी किया है। 2015 में आया था, वेरिफिकेशन के लिए है डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स का, एंड इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, ड्राइविंग, वोटर आईडी कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, सब कुछ इसमें रजिस्टर किया जा सकता है, और अगर वहां पे ऑटोमेटिकली नहीं आएगा तो आप खुद भी अपलोड कर सकते हैं और ये वैलिड होगा। पहले क्या होता था कि जो स्कूल यहाँ दिल्ली इंडिया से पढ़ने बाहर जा रहे थे ना बच्चे, तो रास्ते में उनके बैग खो गए, मिसप्लेस हो गए, तो उनके सारे सर्टिफिकेट वेस्ट हो जाते थे। तो अब क्या होता है, अब वो सिर्फ डिजी लॉकर वाला दिखाएंगे और ये वैलिड होगा, तो उनका प्रॉब्लम नहीं होगी, ये है। ठीक है, तो इसलिए भी ये सब बेनिफिट है, एडमिशन में भी अलाउ कर दिया है। यस, सो एक्सेस कर सकते हैं डिजी डॉक्यूमेंट्स को एनी टाइम एनीवेयर, कहीं से भी, और शेयर भी कर सकते हैं। ऐसा हुआ था, अच्छा। और इससे पेपर का यूज भी कम हो गया और ऑथेंटिसिटी मिलेगी डॉक्यूमेंट्स को, सेल्फ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर अपलोड किए जा सकते हैं। गुड, और अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, सारा जनरल अवेयरनेस बेस्ड ही है, कि इंडिया में फर्स्ट जो गांव है ना जो डिजिटलाइज हो गया पूरा,
इसमें सीसीटीवी लगे हैं, लोग कैश देते ही नहीं, वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूपीआई यूज करते हैं बस, तो वो है गोत्र। ठीक है, आंगनवाड़ी एटीएम यूज करते हैं ये सारे के सारे, आई थिंक गुजरात में है, कहा है ना, हाँ जी से गुजरात में। ऐसे ई बीज ऑनलाइन बिजनेस के लिए ऑनलाइन फाइनल डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को भेज के अपना पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एंड ई कोर्ट, ऑनलाइन कोर्ट भी चलती है, ई इंडिया का पोर्टल माई गवर्नमेंट माई गोव डॉट इन वेबसाइट है, तो मैं सारे उल्टी चीजें याद रहती है। india.gov.in इंडिया का मेन पोर्टल है, जहाँ पे इंडिया से रिलेटेड जितनी भी गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली होगी सारी यहाँ पर आपको जरूर मिलेंगी। ठीक है, यहाँ भी अपलोड होती है, एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट की डायरेक्टरी, मोबाइल डायरेक्टरी, कैलेंडर, ई कार्ड, वेब कार्ड, और भी बहुत सारी चीजें आप जाके चेक कर सकते हैं। जीवन प्रमाण करके इन्होंने एक वेबसाइट निकाली, ई बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस किया जा सकता है, अगर गवर्नमेंट से ऑनलाइन बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है अब। ठीक है, वेबसाइट से ही, जैसे हमने जीएसटी लिया ये सब। देखो भाई, आपने ऑफिस ऑफिस मुसद्दी लाल वाली मूवी तो देखी ही होगी, उसमें अपने आप को जिंदा घोषित करना, वैसे मुझे लगता है इसके पीछे उस मूवी का बड़ा हाथ है, जिंदा घोषित करना पड़ता था और वो बंदा जिंदा है भी तब भी प्रूफ करना पड़ता था, लेकिन एक्चुअली अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, जीवन प्रमाण डॉट जीओवी डॉट इन बना दिया है। इस वेबसाइट पे आपको जाके प्रूफ नहीं करना, आप ऑनलाइन भी कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे, आप ऑनलाइन प्रूफ हो जाएंगे कि हाँ ठीक है हम जिंदा है, और आपकी पेंशन मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो पेंशन मिलेगी, ओके। इंडिया में साइबर फिजिकल सिस्टम CPS सिस्टम है, इसमें इंटीग्रेट किया है कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड फिजिकल प्रोसेसेस को। हाँ जी, ट्रुथ बताया है गवर्नमेंट ऑफिस के चक्रों का। हाँ, तो गवर्नमेंट ने देख ली ना वो मूवी। साइबर फिजिकल सिस्टम कंबाइन करता है सभी डिजिटल साइबर एलिमेंट्स को विद फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, मतलब जितनी भी चीजें हैं उनके साथ इंटरनेट की कनेक्टिविटी, साइबर कनेक्टिविटी कर पाना, इंटरनेट ऑफ थिंग, मशीन टू मशीन, इनके इनसे। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। तो ऑटोनोमस व्हीकल्स, जैसे कि रिक्शा है, मैं इसका एग्जांपल देती हूँ कि सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो ये एक चीज है, रिक्शा एक व्हीकल है, उसके साथ जीपीएस सिस्टम, मतलब वो साइबरली कनेक्ट हो गया, कोई दूसरा बंदा बहुत दूर से इसकी ट्रैकिंग कर सकता है कि कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। तो ये क्या हो गया, साइबर फिजिकल सिस्टम, साइबर मतलब इंटरनेट से कनेक्ट हो गया किस तरीके से, और फिजिकल मतलब कोई चीज। ठीक है, मुसद्दीलाल ऑफिस ऑफिस कहां सो के उठ रही हो, वो तब की बात थी वो। जैसे कि सेंसर लग जाते हैं, इंफॉर्मेशन लीकेज, कंप्यूटिंग टाइमिंग एरर्स होते हैं उनसे बचाता है ये, एंड कम्युनिकेशन एक्चुएटर्स यूज होते हैं ऑथेंटिकेशन फेलियर्स को रोकने के लिए, स्टोरेज के लिए स्टोरेज हम यूटिलाइज कर सकते हैं साइबर फिजिकल। मतलब देखो यार, यहाँ पर जो कनेक्शन है इसमें कुछ साइबर चीजें जो कि वर्चुअल है, जो इंटरनेट के थ्रू हो रही है, वो क्या है, कम्युनिकेट कर पाना, कैलकुलेशन कर पाना, स्टोरेज कर पाना। फिजिकल क्या है, सेंसर लगते हैं किसी जगह पे, एक्चुएटर होते हैं, ऑथेंटिकेशन लगता है या ऑथेंटिकेशन फेल होता है वो सब। हाँ, शाहिद कपूर के फादर की थी। यस, बैटरी डाउन हो रही है, मेरी क्लास जब 2 घंटे की है तो पूरे 2 घंटे होगी। ठीक है, चार्जर नहीं तुम्हारे पास, बैटरी डाउन हो रही है। यूनियन कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया 1 फरवरी 2018 को साइबर फिजिकल सिस्टम के ऊपर नेशनल मिशन, समझे। दूसरों का ले लो, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल मिशन। सो फ्रेंड्स, साइबर फिजिकल सिस्टम एंड एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी विद इन रीच, ताकि जो साइबर फिजिकल सिस्टम है वो सभी के रीच में रहे और इससे नेशनल और रीजनल इश्यूज को सुलझाया जा सके। पावर बैंक यूज कर रही हूँ, हाँ ये बात अच्छी है ना, खा वहा ये कौन सा बहाना हुआ, इंटरनेट फोन में बैटरी नहीं है। प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन स्किल्ड मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर को प्रोड्यूस करना है। ट्रांसलेशन रिसर्च को भी हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं, स्टार्टअप्स भी इसको यूज कर सकते हैं,
ठीक है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के रिसोर्सेज को एडवांस करना है, इसके ऊपर रिसर्च अच्छे से करनी है। तो ये मिशन क्या कहता है भाई, तुम्हें क्रक समझ में आया? इंटरनेट और, अच्छी बात है, इंटरनेट और फिजिकल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों में इंटरनेट ऑफ थिंग बनानी है। हर ऐसी चीज जिसमें इंटरनेट लग सके, चल सके, ठीक है, तो ऐसा ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर तैयार करना है जिसकी वजह से इंडिया में रिसर्चेस अच्छी हो, टेक्नोलॉजी बढ़िया हो, हर पर्सन तक रीच हो सके, नेशनल रीजनल लेवल तक भी पहुंच सके, मुद्दों को जल्दी सुलझाया जा सके, ये सब है इसके अंदर। समझ आ गई? 2018 में लॉन्च किया गया था मिशन। इम्प्लीमेंटेशन, 15 नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब खोले गए हैं, TIH खोले गए हैं, ठीक है। आज की डाउनलोड नहीं हुई तो कल की हुई थी, परसों की हुई थी, कोई तो डाउनलोड कर लो, एक ही बात है। एप्लीकेशन इनोवेशन हब AIH, 4 नंबर ऑफ, मतलब यहाँ पे टोटल 15 TIH, 6 AIH और 4 TTRP खोले हैं, ठीक है। तो इनकी फुल फॉर्म याद करनी पड़ेगी आपको, और याद क्या करनी है, एक बार पढ़ लो, पेपर में लिखी हुई आएगी, टिक टिक करना है बस आपने, ठीक है। थर्सडे होता है, अब ये क्या चल रहा है, बृहस्पति, बृहस्पति एक प्लैनेट भी होता है। अच्छा, सो इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम IRINS, यस, रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, RIM है, IRINS, ये सर्विस डेवलप की थी इंफ्लिपनेट ने, ठीक है। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, और ये सपोर्ट करता है रिसर्च मैनेजमेंट करने के लिए, HR सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम के लिए, ठीक है, इंफ्लिपनेट ने बनाई थी। और बेसिकली इनमें इंटीग्रेट है एकेडमिक आइडेंटिटी, जैसे कि ऑर्किड आईडी, स्कोपस, आपको पता ही कौन है, ये सब जर्नल्स की लिस्ट रखते हैं, जैसे इंडिया का है ना वो UGC केयर लिस्ट, ऐसे ही स्कोपस की लिस्ट होती है, रिसर्च आईडी, माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक आईडी, गूगल स्कॉलर, तो रिसर्च जर्नल्स की प्रॉपर लिस्ट होती है यहाँ पर। साई हब इज, हाँ वो उसमें तो खैर क्रैक भी हो जाता ना, जो नहीं भी खुलता वो भी रिसर्च पेपर या थीसिस खुल जाते हैं, यस। तो अभी आपको ये समझ में आ गया INS क्या है, ये एक तरीके से वेब बेस्ड रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का सिस्टम है जो इंडिया का है, इसके अलावा बाकियों के साथ भी इसको इंटीग्रेट कर लिया गया है, ठीक है, हाँ, जैसे जेस्टर्स वगैरह होते हैं। अच्छा, ICT इनिशिएटिव में और कौन से इनिशिएटिव है, iShare, अभी हम लोग इनिशिएटिव्स कर लेंगे अभी आज, वैसे फिर इसके बाद हमारा एक्सेल बचेगा, ठीक है, तो वो हम कल साथ में कर लेंगे क्लास में। iShare इंडिया के लिए, अगर आप एक पर्सन हो, आप कंपनी हो, इंस्टीट्यूशन हो या कोई यूनिवर्सिटी हो, आप इंडिया के लिए कोई बहुत अच्छी चीज बना सकते हो, लाइक वेबसाइट्स, कोई पोर्टल, ठीक है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी, तो फिर आप वेलकम हो, आप वेबसाइट पे जाओ iShare की, आप जाके बोलो मेरे को ये करना है आपके लिए काम, फ्री ऑफ कॉस्ट करना है, कर दो, बिल्कुल हाजिर है हम, यस यस कर देंगे, ठीक है। तो iShare फॉर इंडिया, मैं इंडिया के लिए काम करना चाहता हूँ। ऐसे ही EPG पाठशाला किसने बनाया, UGC का है, ये भी क्या करते हैं, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT के अंदर EPG पाठशाला में वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स वगैरह पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड होती है जी। EPG पाठशाला के अंदर ये क्वाड्रेंट है, मतलब ये सारी चीजें भी हैं, ये सारे सब हैं, इनके सब पोर्टल्स हैं कि ई अध्ययन में ई बुक्स होती है, UGC MOOC, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, ई पाठ्य में आप लोगों को ऑफलाइन एक्सेस भी मिल जाएगा, अगर आप ऑनलाइन नहीं है तो एक बार डाउनलोड कर लिया, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद ई पाठशाला क्या है, NCERT का इनिशिएटिव है, NCERT का इनिशिएटिव है, ये स्कूल रिलेटेड है, ठीक है, PG पोस्ट ग्रेजुएशन, NCERT वाला स्कूल वगैरह से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पर मिलता है और वीडियो लेक्चर वगैरह मिलता है, ठीक है, PhD वालों के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। अरे भाई वही तो सेम ही तो होता, PhD वाला तो खुद रिसर्च करके देंगे ना, अब उनको भी पूरा हम ही देते सब कुछ। JRF किसके लिए है, फिर सभी MHRD के अंदर आते हैं, हाँ आते बड़े लेवल पे MHRD के अंदर है, स्वयं पे भी था। सो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT क्या है, आपको पता है ना कि कंटेंट जनरेट करना है, सबके साथ शेयर करना है, 11th 5-year प्लान के अंदर आया था। अच्छा, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस,
लर्निंग NTPL किसके लिए है? इंजीनियरिंग के कोर्सेज बनाता है ये, ठीक है? और किससे बिलोंग करता है? वीडियो बनाता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, टेक्निकल्स, टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए लेसन्स बनाता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो टीचर ट्रेनिंग करानी हो टेक्निकल टीचर्स को, ठीक है? इसलिए PIB क्या है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये गेटवे का काम करता है गवर्नमेंट और हम लोगों में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट से सबसे पहली न्यूज कोई भी आएगी तो पहले वो PIB से पास होगी, PIB अपनी वेबसाइट पे दिखाएंगे। अगर इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया तभी ये बाकी न्यूज पेपर दिखा सकते हैं या चैनल्स दिखा सकते हैं। अपनी मर्जी से कौन सी मीटिंग में क्या बात हो रही है कोई रिवील नहीं कर सकता, ठीक है? ये टीचिंग में भी आता है क्या? हाँ, सो यस, हायर एजुकेशन के अंदर होगा, बस वही है ना, दोनों सेम ही चीजें हैं दोनों जगह पे, तो या इसमें ICT वाले लेसन में होगा या हायर एजुकेशन होगा, एक जगह जरूर होगा, ठीक है? हाँ, NPTEL इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए। फ्रेंड्स, फिर न्यूज एजेंसी इंडिया में बहुत सारी, न्यूज एजेंसी क्या करती है ये, जैसे कि आपने आज तक का चैनल भी देखोगे उसमें भी ANI का माइक कई बार पकड़ा होता है या फिर PTI का माइक पकड़ा होता है। तो ये एक ऐसी एजेंसी है जो इंडिया में जगह जगह पे फैली हुई है, जो सबसे पहले जहां पे वीडियो कैप्चर करके इंफॉर्मेशन ले पाया, न्यूज बना पाया, फिर उसकी जीत हो जाती है। तो बाकी न्यूज चैनल को क्या करते हैं? पैसे लेकर उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं न्यूज, क्योंकि हर जगह आज तक जरूरी थोड़ी कि पहुंचा हुआ हो, वो फिर इनसे खरीदता है न्यूज, अपने चैनल पर दिखा देता है, ठीक है? ऐसे होता है। सो एशियन न्यूज इंटरनेशनल। अच्छा, कभी पता है, मैं बच्चों कह रही ANI है, बच्चे कह रहे मैम इसे फुल फॉर्म क्या है? भाई इतना डांट लगाई मैंने उस वाली क्लास में, ये फुल फॉर्म ही तो दिया, और दिया क्या है यहाँ पे? PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है? समाचार भारती, यूनाइटेड न्यूज इंडिया, UNI, तो फुल फॉर्म ही दे रखे हैं यहाँ पे। चलो, इस क्लास के बच्चों ने नहीं पूछा, अच्छी बात है। ICT गवर्नेंस के इनिशिएटिव कौन कौन से थे? ई पोस्ट, हम इंटरनेट के द्वारा पोस्ट ऑफिस, आपको पता है कि हम लोग इंटरनेट के द्वारा पोस्ट ऑफिस पे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ से पार्सल ये ले जाइए, बल्क पास्टर। हाँ, ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, यस, नहीं पता था, पता कर लो। ई बुक प्लेटफॉर्म, ई संपर्क, संपर्क मतलब SMS और इस तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर, अब जो इंटरनेट चल रहा है वो किसके बेसिस पे चल रहा है? ऑप्टिकल बोला है, ऑप्टिकल का मतलब ऑप्टिकल की जो तारे होती है ना, वायर्स होती है, ये सबसे ज्यादा फास्ट चलता है, इसमें कांच की तारे होती है, ग्लास होता है, ये ध्यान रखें, क्योंकि ऑप्टिकल है ना फाइबर की बनेगी, यस, क्वेश्चन आता है, इसको इम्प्रूव करें क्योंकि ये सुपर फास्ट होती है। कॉपर की तारे वाले चलती थी वायर्स, बट कॉपर इज नॉट सो फास्ट, इसलिए ऑप्टिकल को कर दिया गया है, पतली होती है बल्कि कॉपर से। देन और एशियन सी नेटवर्क, समुद्री रास्तों से भी ये चली जाती है। देन मोबाइल सेवा का मतलब गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है वो मोबाइल के थ्रू हेल्प करे। माई गवर्नमेंट की वेबसाइट देख ली आपने, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। वर्चुअल क्लासरूम में मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज बच्चे पढ़ाई करते हैं। ई ट्रांसपोर्ट चलान, ये आजकल तो बहुत अच्छा है, कोई लैंडलाइन क्रॉस करेगा और फोटो खींच लेनी है, वहां पे चलान घर पे आएगा, किसी ट्रैफिक पुलिस से लड़ने की जरूरत नहीं है, फिर आपको नहीं भरा आपने तो जाके कोर्ट जाओ, ठीक है? तो आजकल ट्रांसपोर्ट का ई चलान हो जाता है, स्पीड ब्रेक भी कर दी उसमें भी आ जाता है, हुआ तो आपका, मेरे भाई का भी होता है एक बार। अच्छा, अब फ्रेंड्स, इस वाले टॉपिक के आगे जो टॉपिक है, ये इस टॉपिक के ही लगभग 150 पेज आई थिंक मेरी स्लाइड में, ठीक है, 150 या 200, लेकिन इसमें क्या है कि मैंने 150 डिजिटल इनिशिएटिव्स की एक यूट्यूब पे क्लास ली थी, एक घंटे की या डेढ़ घंटे की, जितनी की भी हुई थी, मेरे को ध्यान नहीं है। उसमें भी मैंने इनका नाम लिख दिया था, किया था आपने वाला क्लास, यस, मैं ढूंढूंगी अगर मेरे को लिंक मिल गया तो, नहीं तो मुझे लगता है वैसे जनरल अवेयरनेस वाली प्लेलिस्ट के अंदर होगा लिंक, अगर आपको खुद भी जाना है तो आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, आज तक जितने भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने निकाली है ये वो स्कीम्स है, और इसलिए एक बार इनका नाम क्या है और ये स्कीम किसके लिए यूज होती है वो आप देख सकते हैं। डेढ़ घंटे की क्लास थी, बहुत बड़ी क्लास थी वो, अब इतनी सारी यहाँ पे थोड़ी ना करा सकते हैं, लेकिन इधर पेजेस भी बहुत सारे हैं, तो इस वजह से मेरा बहुत सारे हैं, 200-300 पेज होंगे, शुक्र है।
तो इस वजह से अब मैं उनको स्किप करके सीधा आ चुकी हूँ 742 पेज पे, और यहाँ पे अब हमारा सिर्फ इतना ही बचा है, वो है एक्सेल क्या होता है। ठीक है, मैं अब 300 पेज बोरिंग वाला काम कर रहा हूँ, वो वीडियो देख लेना, सीधी सी बात है, 150 स्कीम थी वो। ठीक है, अब बोरिंग काम है वो, तो कौन सी स्कीम किस से रिलेटेड है, अगर ज्यादा ही है तो वीडियो में वो वीडियो देख लेना, मैंने बता ही दिया, जनरल अवेयरनेस वाली प्लेलिस्ट में है ना, क्लासेस पे। ठीक है, ओके, लिंक ढूंढने की कोशिश करूंगी, किसी को मिलेगा तो ग्रुप में डाल देना। ठीक है, और बाकी एक्सेल हम कल करेंगे, थोड़ा सा ही बचा है, और डाटाबेस मैनेजमेंट बचा है। ठीक है, आईटी एक मैंने पढ़ा दिया, बस ये लास्ट है, आधे घंटे का काम है या मैक्सिमम 1 घंटा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम, मीट यू सून, ड्रीम बिलीव एक्ट एंड अचीव। ठीक है, थैंक यू।